ओके हम स्टार्ट कर दें। द्रव्य का कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् नाचान्यो अर्थो स्थित तत्वतः। तो आप में से कोई पढ़ेगा, 1 मिनट, हिंदी का किसका नाम है पहला? सचिन नंदन प्रभु पढ़िए आप अनुवाद। सृष्टि के 5 मूल अवयव शाश्वत काल द्वारा उनसे उत्पन्न अन्यन्य क्रिया तथा व्यक्तिगत जीव का स्वभाव, ये सब भगवान वासुदेव के भिन्नांश है। और सच बात तो यह है कि उनका कोई अन्य महत्व नहीं। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, सृष्टि के 5 मूल अव्यय शाश्वत काल, जैसे हमने 5 इंग्रेडिएंट्स, 5 मूल जो हमने देखा ना कि महाविष्णु होते हैं वो ग्लांस करते हैं, दृष्टिपात करते हैं, तो उससे सारे 16 पदार्थ तैयार होते हैं, तो इसमें से 5 ये हैं और उनके दृष्टि में शाश्वत काल है। उनसे उत्पन्न अनन्य क्रिया मतलब जो जीवात्मा का स्वभाव, उनका कार्य ये, और जीवात्मा जो भगवान व्यक्तिगत जीव का स्वभाव, ये सब कर्म स्वभाव काल और पंच महाभूत, ये सब वासुदेव के भिन्न अंश है। तो मैंने कहा था ना कि जैसे गोपियां गोलोक में है, तो आप लोग म्यूट हो जाएंगे क्या? तो क्योंकि मेरे पास आवाज बहुत आ रहा है। तो हमने देखा ना गोलोक में परम प्रेष्ठ सखी है तुंग विद्या ललिता विशाखा, तो वो वैकुंठ में है, वो लोग विस्तारित करके वैकुंठ में ईशना प्रवाह जो वो हमने देखा ना वो शक्ति आती है, और वही महातत्व में वो ये पंच महाभूत के रूप में आते हैं। पंच महाभूत वो अर्थ वाटर ये सारे पंच, ग्रॉस मैटर एंड सटल मैटर। सटल मैटर मतलब मन बुद्धि अहंकार, और अर्थ वाटर फायर एंड ईथर, पृथ्वी जल आकाश वायु। तो ये गोपिया है, सिकंद पुराण का कोटेशन है कि ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में गोपी है, ये आते हैं पदार्थ के रूप में। तो ये वासुदेव से भिन्न, ये भिन्नांश है, भिन्न मतलब वो वासुदेव से नॉन डिफरेंट है। क्यों नॉन डिफरेंट है? क्योंकि वो भगवान की शक्ति है। तो शक्ति शक्ति मतोर आभेद, शक्ति और शक्तिमान अभिन्न है, लेकिन वो फंक्शन के द्वारा अलग होते हैं। तो श्रीधर स्वामी बोलते हैं इस श्लोक के कमेंट्री में कि इसमें ब्रह्मा जी नारद मुनि के 2 प्रश्न का उत्तर देते हैं, यद रूपम और यद अधिष्ठानम। तो अधिष्ठानम क्या है? भगवान विष्णु इस ब्रह्मांड के शेल्टर है, और ये किसका बना है? 5 इंग्रेडिएंट्स का बना है, और ये सब भगवान के आधार पे है, और भगवान इससे अभिन्न है। ठीक है, तो जीव गोस्वामी भी बोलते हैं कि द्रव्यम का मतलब क्या है? द्रव्यम कर्म काल। द्रव्यम मतलब क्या? द्रव्य मतलब वो एलिमेंट्स, अर्थ वाटर फायर एंड एथर। ओके उसको ओके और कर्म मतलब जो जीवात्मा का पिछला कर्म है, जो यूनिवर्स में वो ब्रह्मांड वो महाविष्णु के शरीर में थे, तो जो जो कर्मा बंद हुआ है उनका, वो कर्मा के द्वारा उनको फिर से उनका कर्मा के द्वारा उनको बर्थ हो जाता है। क्योंकि उनको अभी जैसे किसी को किसका कर्मा है, वो हाथी था, तो हाथी का कर्मा फुलफिल करने के लिए फिर से वो हाथी का कर्मा फिर से वो कर्मा हाथी का कर्मा लेने के लिए फिर से वो यही करते। काल मतलब जो काल के प्रभाव से आगे श्लोकों में आएगा, काल जो गुणों को एजिटेट करते हैं, मतलब वो विक्षम पैदा करते गुणों में, क्योंकि तभी काल मतलब टाइम मतलब वो मूव होता है, सब कुछ चलने लगता है, तो टाइम जाके सब एजिटेशन और विषम में होने के कारण सब कुछ चलता है। और स्वभाव मतलब जो जीवात्मा का क्या स्वभाव है, किसे क्या बनना है, कर्मा है, और स्वभाव किसी का क्या है, उसके अनुसार सारा ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज हो जाता है। और जीवा को भोगता है, वो कैसे भोगता है? फॉल्स भोगता, इसलिए ईगो प्रिंसिपल भी है, हमने देखा था ना। तो ये सब भगवान के शक्तियां हैं, और जो फॉल्सिटी है मतलब जो उसमें जीवा को भोक्ता करके बताया है, जो शक्ति माया देती है वो भी भगवान की शक्ति है। तो जिसका ये बना है माया अधिष्ठान है, और अधिष्ठात्री, अधिष्ठान मतलब ये द्रव्य पदार्थ, और अधिष्ठात्री मतलब दुर्गा। तो ये सब भगवान की शक्ति और भगवान से अभिन्न है। ठीक है, और प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं तात्पर्य में कि ये जो भौतिक जगत है ये वासुदेव का ही रिप्रेजेंटेशन है। प्रभुपाद जी लिखते हैं ना कि ये
इन घटनाओं से भरा जगत, किन घटनाओं से, यह घटनाओं से, सब काल वगैरह सब उससे निर्विशेषताए वासुदेव की अभिव्यक्ति है, ये जगत निर्विशेषताए वासुदेव की अभिव्यक्ति है। तो वासुदेव का ही ये एक्सपांशन है, लेकिन वासुदेव का क्या है, ये भगवान की शक्तियां है, गुण और शक्तियों से युक्त है, ठीक है। तो फिर प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं ना, तो भगवत गीता कोट करके कि सातवें अध्याय के चौथे पांचवें श्लोक में कि ये सब कुछ जल, ये सब है भगवान की शक्ति है, लिखते हैं ना बहिरंग शक्ति, प्रभुपाद लिखते हैं। तो इसको बहिरंग कौन बनाता है, जैसे जीवात्मा महाविष्णु के दृष्टि से निकलता है क्योंकि उसको कृष्ण से अलग विमुख होके दुनिया चाहिए, तो फिर इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं आगे परपट में कि एक शैडो कर, जैसे बच्चे रोते हैं ना, प्रभुपाद ही वो लिखते हैं कि बच्चे, लिविंग एंटिटीज आर लाइक चिल्ड्रन, तो जैसे बच्चे रोते हैं तो बच्चों को कुछ खिलौने देते हैं ना माता पिता खेलने के लिए, ये भौतिक जगत ऐसा पैंथस्मोगोरिया है, मतलब ये रियल रियल इन द सेंस, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड जैसा रियल नहीं है, इसका मैनिफेस्टेशन रियल है लेकिन ये टेम्पररी है, तो एक ऐसा आर्टिफिशियल वर्ल्ड बच्चे को दे देते हैं खेलने के लिए, तो ये कृष्णा देते हैं, लेकिन किसका है ये सब भगवान के शक्तियों से युक्त है। तो आगे लिखते हैं तात्पर्य में, देखो आगे लिखते हैं, अभी देखो समय यहाँ पे लिखा है, जीव को श्री भगवान की तटस्थ शक्ति कहा जाता है, लेकिन सभी परिस्थितियों में ना तो भौतिक अव्यय और ना ही आध्यात्मिक भिन्नाश भगवान वासुदेव से स्वतंत्र है, क्योंकि समस्त वस्तुएं चाहे वो श्री भगवान की बहिरंग अंतरंग या तटस्थ शक्तियों के प्रतिफल हो, उसी तरह श्री भगवान के तेज के प्रदर्शन है। जिस प्रकार प्रकाश, उष्मा तथा धुआं, ये उदाहरण देते, एक ही अग्नि के प्रदर्शन है, इन्हीं में से कोई भी अग्नि से भिन्न नहीं है, क्योंकि वो अग्नि के बिना नहीं, अभी प्रकाश भी अग्नि के बिना नहीं हो सकता, उष्मा भी अग्नि के बिना नहीं हो सकती गर्मी, और धुआं भी अग्नि के बिना नहीं हो सकता, अग्नि के बिना एग्जिस्ट नहीं हो सकता, तो मिलकर वो अग्नि कहलाते। इसी प्रकार समस्त व्यावहारिक अभिव्यक्तियां तथा वासुदेव के शरीर का तेज उनके निर्विशेष गुण है। तो देखा मैंने कहा था ना, निर्विशेष गुण मतलब ये भगवान के इम्पर्सनल फीचर्स है, मतलब ये गुण और शक्ति से बना है, जो ब्रह्म ज्योति है भगवान के गुण और शक्ति से है। इसी ब्रह्म ज्योति को ज्ञानी अलग ढंग से देखते हैं और ध्यानी अलग ढंग से देखते हैं। ज्ञानी क्या देखते हैं, ब्रह्म ज्योति निरा बिना कोई गुण है, इसमें कोई निराकार है, तो वो उसको अल्टीमेट गोल मानते हैं। लेकिन भक्त क्या करता है, वो बोलते हैं कि ब्रह्म ज्योति भगवान के शरीर की कांति है, भगवान के गुण और शक्तियों का वो डिस्प्ले है, तो वो भगवान पे आधारित है, तो ब्रह्म ज्योति भक्तों के लिए एक इंटरमीडिएट हो जाता है। इंटरमीडिएट मतलब पास ऑन, जिसमें से हम है ना क्या कहते हैं इंटरमीडिएट को, क्या मैं इन बिटवीन, जिसके थ्रू भक्त भगवान के पास पहुंच सकता है। तो इसलिए आप देखो जब भक्ति करता है तो भक्त ब्रह्मन स्तर पे आता है। भगवद गीता 14.26 पढ़ा है ना आप लोगों ने, माम च व्यभिचरे न भक्ति योगे न सेवते सगुणान समयते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो भक्ति का उसका कोई अनुवाद है, गीता है आप पढ़ सकते हैं उसका अनुवाद, माम च व्यभिचरे न है उसका अनुवाद आप पढ़ सकते हैं अगर है तो, क्योंकि मुझे हिंदी में है नहीं, मेरे पास इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा, किसी के पास है तो पढ़ लीजिए खोल के। मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ू प्रभु जी? हाँ पढ़ो, कोई तो पढ़ो। तात्पर्य है कि जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांग जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। हरे कृष्ण वंदन प्रणाम। हाँ तो ये भक्त अभी ब्रह्म भक्ति करके ब्रह्म के स्तर पे क्यों आएगा, तो ये ब्रह्म का स्तर भक्त के लिए क्या है, इंटरमीडिएट है। तो ब्रह्म के स्तर पे भक्त सारे वस्तुओं को भगवान के गुण और शक्तियों से युक्त देखता है, ठीक है आप समझ गए। तो ये सब एक दुनिया भगवान से अभिन्न है, और भगवान और भगवान के शक्ति में कैसे है, जीव गोस्वामी भागवत संदर्भ में उदाहरण देते हैं, जैसे कि सूर्य देव है, सूर्य का गोला है, सूर्य की किरणें हैं और सूर्य की परछाई एक पॉलिश सरफेस के ऊपर, तो उसकी तुलना करते हैं कि सूर्य देव है कृष्ण, सूर्य का गोला है अंतरंग शक्ति, सूर्य की किरणें है तटस्थ शक्ति जो गोले से आती है, और सूर्य का जो परछाई है वो है बहिरंग शक्ति,
क्योंकि इस दुनिया में भगवान का भी कुछ फॉर्म है, वो आप यूनिवर्सल फॉर्म में देखेंगे, ठीक है। और ये शक्ति कैसे, अंतरंग शक्ति बहुत क्लोज है, तटस्थता थोड़ी दूर है, पर भौतिक एकदम दूर है। इसलिए भगवद गीता में भगवान बोलते हैं ना भिन्नम, क्या भूमि रपो नलो वायु खम मनो बुद्धि रे वच अहंकार, भिन्ना प्रकृति है, थोड़ा सेपरेटेड एनर्जी प्रभुपाद, वो थोड़ा दूर की एनर्जी है, लेकिन वो शैडो सूर्य के बिना नहीं रह सकता, जैसे सूर्य के बिना शैडो एग्जिस्ट नहीं हो सकता, और जो भी शैडो में जो भी होता है वो सूर्य देव को कुछ असर नहीं होता। इस दुनिया में जो भी होता है, कुछ लोग बोलते हैं ना इस दुनिया में कितना गड़बड़ चल रहा है, ड्यूअलिटी है, तो उससे भगवान को क्यों नहीं, समथिंग इविल इज हैपनिंग, सो इफ इट इज कमिंग फ्रॉम द लॉर्ड, मतलब दुनिया लॉर्ड से आती है तो लॉर्ड को इफेक्ट क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि वो सेपरेटेड एनर्जी। ये भागवत संदर्भ के अनुच्छेद में जीव गोस्वामी देते हैं ये एग्जाम्पल, तो इससे बताते कि एनर्जी कैसे क्लोजली रिलेटेड है, ठीक है, ओके। सो भगवान और भगवान के शक्ति के बीच का ये, और अचिंत्य भेदाभेद ये, क्योंकि वो एक भी है और अभिन्न है, तो अचिंत्य भेदाभेद कहाँ यूज करते हैं, वो यूज करते हैं भगवान और भगवान के शक्तियों के बीच। ऐसा नहीं कि हम ऐसे नहीं बोल सकते कि कैम मंदिर और एनवीसीसी एक भी है और अलग भी है, ये ऐसा नहीं चलता, वो भगवान और भगवान के शक्ति के बीच है वो, ठीक है, ओके। तो अभी 15 से लास्ट के 10 मिनट कुछ क्वेश्चंस के लिए रखेंगे, ठीक है, 15 से 16। तो उस 15 से 16 में क्या है, वो कहते हैं कि जो कुछ भी है इस ये दुनिया में ये सब नारायण के आधार पर ही है, ठीक है, मैं श्लोक पढ़ता हूँ, जो कुछ भी इस दुनिया में है वो नारायण के आधार पर है, ओके। नारायण परा वेदा देव नारायण गज नारायण परा लोका नारायण परा मखा, तो कौन पढ़ेगा अभी, किसका नाम है इधर, कृष्णा नाम प्रो आप पढ़िए थोड़ा। सारे वैदिक ग्रंथ परमेश्वर से ही बने हैं और उन्हीं के निमित्त है, देवता भी भगवान के शरीर के अंगों के रूप में उन्हीं की सेवा के लिए है, विभिन्न लोग भी भगवान के निमित्त है और विभिन्न यज्ञ उन्हीं को ही प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं। बराबर, तो सब कुछ भगवान से रिलेटेड है, तो हर एक वस्तु के ये है भगवान से जुड़े हुए हैं सब कुछ। अभी जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना कि जो वैदिक साहित्य बने हैं, वैदिक ग्रंथ परमेश्वर द्वारा बनाए गए हैं, तो किस लिए बनाए गए, कि भगवान को जान सके, वेदेश सर्वे हम एव वेद्यो, देवता भी भगवान के शरीर के अंग के रूप में उन्हीं की सेवा के लिए बने हैं, तो देवता भी बने हैं किसके लिए, भगवान की सेवा के लिए, विभिन्न लोक भी श्री भगवान के निमित्त है और विभिन्न यज्ञ उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किया, यज्ञ वही विष्णु हूँ, और सारे जो प्लैनेट है वो भी भगवान के, क्योंकि हर एक अगर आप बृहद भागवत अमृत पढ़ेंगे उसके दूसरे खंड में जब गोप कुमार जाते हैं सारे प्लैनेट्स में, हर एक प्लैनेट्स में भगवान विष्णु का ये है क्या बोलते हैं रेसिडेंस है, भगवान विष्णु, लॉर्ड विष्णु इज रेसिडिंग इन ईच एंड एवरी प्लैनेट इन स्वर्ग ऑल्सो, मतलब सॉरी मैं इंग्लिश बोल, स्वर्ग में भी विष्णु रहते उपेंद्र के नाम से, तो इसका मतलब क्या, नारायण सबके ऑब्जेक्ट के वर्शिप है, सारे वेदों से नारायण को जाना जाता है, वेद अतोस्मि लोकेश वेदेश प्रतितः पुरुषोत्तम वेदेश सर्वेरहम एव वेद्यो, और सारे जो योग है अष्टांग योग सांख्य योग उससे नारायण को ही समझा जा सकता है, जैसे अष्टांग योग है ना, योगी नाम अपि सर्वेशां मद्गतेन अंतरात्मनः तेषां ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्तिर विशिष्यते, तो सब कुछ भगवान के लिए ही बना है, और भगवान तो ऐसे वैदिक में वैदिक वांग में क्या कहते हैं वैदिक शास्त्र में तीन मीनिंग होते हैं, आदि देविक आदि भौतिक आध्यात्मिक। अब ये क्या है, ये क्लेश है ना, आदि भौतिक आदि देविक क्या है, कुछ बता सकते हैं आप लोग को, ये क्या है, आपने क्या जाना है आदि भौतिक आदि देविक, तीन प्रकार के कष्ट है मनुष्य के लिए। अच्छा ये कष्ट है, लेकिन ये आदि देविक आदि भौतिक ये भी है, ये जैसे कि आपने जैसे मैंने कहा ना कि वैदिक फिलोसफी जैसे मैथमेटिक्स फॉर्मूला से काम करता है, तो वैदिक फिलोसफी डेफिनेशन से काम करती है, डेफिनेशन मतलब वाक्य, हर एक शब्द का सामान्य वाक्य होता है, जैसे ब्राह्मण उसका मतलब क्या है, अध्यात्मा सामान्य वाक्य। अब ये ब्राह्मण जीव के लिए यूज होता है, कृष्ण के लिए यूज होता है, मैटर के लिए यूज होता है, सैक्रिफाइस के लिए यूज होता है, परमात्मा के लिए यूज होता है, ब्राह्मण के लिए यूज होता है, तो जिस तरह यूज होता है उसका वाक्य चेंज होता है, और कृष्ण के लिए भी ब्राह्मण शब्द यूज होता है, तो इसलिए गीता में 6 प्रकार के ब्राह्मण है और उसमें भी हायरार्की है, तो ऐसा है। तो एनीवे, तो वैसा और एक एक फॉर्मूला है आदि देविक आदि भौतिक अध्यात्म, जैसे आपने गंगा रिवर को देखा बराबर,
अभी गंगा को देखा, क्या है गंगा? गंगा रिवर जो आप देख रहे हो आदि भौतिक, अपने आंखों के द्वारा देख रहे हैं। अभी रिवर का जो स्पिरिचुअल बेनिफिट है, आध्यात्मिक बेनिफिट है, वो है वो अध्यात्मा। और जो देवी गंगा है जो कंट्रोल करती है दोनों को, रिवर को भी और उसके पोटेंसी को भी, वो आदि दैविक। अभी वो गंगा और गंगा रिवर और गंगा पोटेंसी कृष्णा से रिलेटेड है, विष्णु से, वो है आदि विष्णु। समझ गए? तो आदि भौतिक मतलब जो आंखों की तरह देखा गया, जो प्रैक्टिकली दिख रहा है। आदि दैविक मतलब जो कंट्रोलिंग फैक्टर है। और अध्यात्म मतलब उसके बिहाइंड जो पोटेंसी है, शक्ति है, उसके रिलेटेड। तो ये कभी कभी इंटरचेंज, मतलब ये कभी कभी दूसरे एंगल से भी लगाया जाता है, ठीक है? जैसे कि अगर हम देखेंगे, हम लिविंग एंटिटी जीवात्मा को आदि भौतिक, उसके कंट्रोलर डेमिगॉड्स को आदि दैविक, और उसके पीछे जो है वो है कृष्णा, वो है आध्यात्मिक, ऐसा भी बोलते हैं, ठीक है? और ऐसा भी, तो उसका यूज जनरल वाक्यों से आप इसको यूज कर सकते, ठीक है? तो सब कुछ नारायण से ही मतलब होता है, सब कुछ नारायण से ही जुड़ा है, सब नारायण की शक्ति है, ठीक है? तो सारे वेदों से नारायण को समझा जा सकता है। अभी हम आगे के श्लोक में जाते हैं, नहीं तो मतलब परपट, हाँ परपट है, एक मिनट, ओके, परपट के कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। परपट में पहले लिखते हैं कि वेदांत सूत्र में लिखा है शास्त्र उन्नीतवादी। ये सूत्र कितना है? ये तीसरा सूत्र है। जैसे वेदांत के पहले चार सूत्र को चतुश्रुति टीका बोलते हैं। वेदांत सूत्र जानते हैं ना आप लोग? तो वेदांत सूत्र आपने देखा, प्रभुपाद जी कोट करते, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ये लिखा है कि ये सारे स्क्रिप्चर्स भगवान से आते हैं। एक स्क्रिप्चर्स क्यों भगवान को इंगित करते हैं? क्योंकि ये सब भगवान से आते हैं। शास्त्र यूनितवाद, क्योंकि वेदांत सूत्र का पहला है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। उस ब्रह्म पे आप इंक्वायरी करो कि कौन है वो ब्रह्मन जिससे सब कुछ आता है। जन्म दस्य यतः, अरे तो उसके बारे में कहाँ दिया है जिनसे सब कुछ आता है? उनके बारे में दिया है शास्त्र यूनितवाद, शास्त्र में दिया है। तो उसके बाद एक सुगोला शास्त्र तो हर की पूजा बताते हैं, देवी देवता की, इसकी उसकी। तो चौथा सूत्र बोलता है कि तत्व समन्वयात, शास्त्र सिर्फ एक के बारे में बताता है, तत्व मतलब भगवान के बारे में, देवताओं के बारे में भी नहीं, सिर्फ भगवान के बारे में बताता है। मेन देवता का भी पूजा है लेकिन भगवान के तुलना में करना चाहिए, मतलब भगवान के रिलेशन में। जीव गोस्वामी परमात्मा संदर्भ में बताते हैं कि somebody even want to worship demigods, किसी को demigods की पूजा करना है तो क्या सोच के करना चाहिए? कि भगवान के अंग के पार्ट एंड पार्सल है, ठीक है? ऐसा है वो, तो कि नारायण ही बता सकते हैं। लेकिन कोई बोलेगा, अरे नारायण को कैसे डिस्क्राइब करेंगे शब्दों में? तो सूत्र पांच बोलता है इक्ष ते न शब्दम, ऐसे कि नहीं वो डिस्क्राइब किया गया है, क्योंकि वो डिस्क्राइब है क्योंकि शास्त्र भगवान से आते हैं। कि नारायण वेदों, एक वैदिक लैंग्वेज में, क्योंकि वेद के जो लैंग्वेज है वो भगवान से ही आते हैं, ठीक है? तो फिर वेदास का क्या ड्यूटी है? प्रभुपाद जी लिखते हैं, वेद बताते हैं संबंध अभिदय प्रयोजन, कि जीवात्मा का संबंध क्या है भगवान से, उसको कैसे रिवाइव किया जाता है, अभिदय और प्रयोजन कि भगवान के पास जाना। अब ये संबंध अभिदय प्रयोजन कहाँ से आए, कोई बताएगा क्या? ये आए कहाँ से संबंध अभिदय प्रयोजन? अपने भाई सुना है ना, वेद शास्त्र कहे संबंध अभिदय प्रयोजन, कृष्ण कृष्ण भक्ति प्रेम तीन महदन। कहां से आए संबंध या अभिदय प्रयोजन, कहां से आए, कोई बताएगा? आइडिया है कुछ? रस कहां से आए, तत्व कहां से आया, बताए? रस कब आता है, तत्व कब आता है, कोई बता सकते हैं? हाँ हाथ ऊपर करें, नहीं कोई नहीं बता सकता, क्या हुआ? कुछ तो जवाब दो, मैं जिंदा हूं ना। हम रसो वैसा ऐसे कहते हैं भगवान के लिए। अच्छा। हाँ वो तो श्लोक है कि रसो वैसा, लेकिन रसा कब आता है? जब भगवान अपने शक्तियों के साथ इंटरैक्ट करते हैं। इंटरैक्ट क्या कहेंगे हिंदी में, नहीं बताऊंगा, आदान प्रदान करते तब रस का उत्पन्न होता है। और तत्व कब होता है? जब भगवान एग्जिस्टेंस, जो ब्रह्म ज्योति है, ब्रह्मन से इंटरेक्ट करते तो एग्जिस्टेंस फिलहाल ये तत्व आता है, और तत्व रस साथ में जाता है। अरे तत्व क्या है? संबंध रस है अभिधेय। तो तत्व में कृष्ण सुप्रीम है और रस में राधा। और ये संबंध अविद्या प्रयोजन कहाँ से आया? कृष्ण और राधा रानी से। जैसे कृष्ण में सब कुछ है, संबंध अविद्या प्रयोजन,
तो कृष्ण ने अपने आप को राधा से क्या कहते हैं राधा फ्रॉम हिज बॉडी एक्सपांडेड एज राधा रानी, तभी राधा रानी है। तो कृष्णा का गोल क्या है, टू अचीव राधा रानी, शी हैज टू फॉलो द प्रोसेस। सो एक कृष्णा दो बने राधा, और बाद में जो प्रोसेस फॉलो करना है वो गोल अभिधेय। तो संबंध इस कृष्णा, प्रयोजन इस राधा, और उसमें जो प्रोसेस है वो अभिधेय। तो संबंध अभिधेय प्रयोजन आया राधा कृष्ण से, समझ गए। और तत्व है संबंध, प्रयोजन है रस। तो इसमें बहुत मैकेनिज्म है एनीवे। तो ठीक है ना, इतना कुछ पूछना है। और इसलिए जो संबंध में होते हैं दो, और अगर ये संबंध अविधेय प्रयोजन में अगर बुद्धि यूज किए तो ये तीन बनते हैं, वासुदेव शंकरसन पद्मन अनिरुद्ध। मतलब संबंध अविधेय प्रयोजन में संबंध है रिलेशनशिप, अविधेय है प्रोसेस, रिजल्ट क्या है प्रयोजन। तो अगर हमने बुद्धि यूज किया तो तीन से चार बनते हैं, शंकरसन प्रद्युम्न अनिरुद्ध वासुदेव। शंकरसन प्रद्युम्न मतलब संबंध, वासुदेव मतलब अभिदय, और अनिरुद्ध मतलब प्रयोजन। सो वासुदेव कौन है, शंकरसन कौन है, क्या आइडेंटिटी, ईगो के देवता, उसको क्या बोले, अहंकार के देवता भगवान। प्रद्युम्न है बुद्धि के देवता, और ये आगे आएगा क्रिएशन में। और वासुदेव है चेतना के देवता भगवान, सॉरी देवता नहीं, सुप्रीम लॉर्ड, चेतना के सुप्रीम लॉर्ड। और अनिरुद्ध है माइंड के लॉर्ड। तो अनिरुद्ध है गोल प्रयोजन, वासुदेव है कॉन्शियसनेस अभिधेय। और संबंध में दो एस्पेक्ट है। अब ये संबंध अभिधेय प्रयोजन कैसे काम करता है, संबंध में चार चीज का ज्ञान होता है। पहला है अपना आइडेंटिटी का ज्ञान, आइडेंटिटी को हिंदी में क्या बोलेंगे, अस्तित्व ना, क्या बोलेंगे, पहचान, 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 अपने पहचान का ज्ञान, आइडेंटिटी का ज्ञान, ठीक है, ओके, आइडेंटिटी और ईगो का ज्ञान, ठीक है। फिर है क्षेत्र का ज्ञान, फिर है उस क्षेत्र में कार्य करने का ज्ञान, और कार्य हासिल करने का सॉरी नॉलेज ऑफ प्रोसेस और नॉलेज ऑफ रिजल्ट, कि जो गोल हमको मिलेगा उसका नॉलेज। ये है संबंध के चार एस्पेक्ट, समझ गए आप लोग। संबंध में है ईगो या पहचान का ज्ञान, क्षेत्र का ज्ञान, क्षेत्र में कार्य करने का ज्ञान, और क्षेत्र में जो गोल मिलने वाला है उसका ज्ञान। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली इसको, ये संबंध के चार एस्पेक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग क्लास में बैठे हैं, तो हमारा क्षेत्र क्या हुआ, हम लोग कौन है, हमारी पहचान क्या है, हम है सब मतलब स्टूडेंट। तो हमारा क्षेत्र कितना हुआ, लैपटॉप और हम, रूम नहीं, क्योंकि आप रूम से अवेयर होंगे तो लैपटॉप और रूम को दोनों तरफ अवेयरनेस नहीं रखेंगे, आप लैपटॉप पे अवेयर रहे ना, तो वो अपना क्षेत्र बन गया। अब इसमें कार्य क्या है, हमें क्लास सुनना है, तो क्या कार्य है, कान से सुनेंगे, नाक और मुंह से सुनते हैं क्या, कान से सुनेंगे। और गोल क्या है हमारा अपना, कि जो भी सब्जेक्ट, मेरा हिंदी ठीक नहीं है, गोल क्या है अपना, कि जो भी गोल है, जो भी जो सब्जेक्ट मैटर है उसको समझ के सीखना, मतलब उसको जानना, वो गोल है। वो समझ जाएगा तो मन, तो अभी जब कोई चीज हमको समझ में आती है या कुछ चीज अच्छी लगती है तो उसका एक्सपीरियंस क्या होता है, माइंड में, बराबर। तो इसका ज्ञान है कि हमें समझना है, लेकिन हम प्रैक्टिकली, अभी नॉलेज है सब कि हम स्टूडेंट है, क्षेत्र है लैपटॉप और हम, इतना ही क्षेत्र है। तो क्षेत्र में कार्य क्या है, सुनना, क्या सुनना है, गोल क्या है, ये सेकेंड कैंटो ठीक से समझना। लेकिन हमें इंटरेस्ट नहीं है, हमें इच्छा नहीं है, नॉलेज होने के बाद भी हमें इच्छा नहीं है, बोर हो रहा है। तो ये जो इच्छा आना, इंटरेस्ट आना, या इंटरेस्ट इंटेलिजेंस काम करना, ये प्रद्युम्न एस्पेक्ट, आप समझ गए। तो बाहर के स्कॉलर्स को संबंध का सब एस्पेक्ट होता है, लेकिन प्रद्युम्न एस्पेक्ट नहीं होता है। इंटेलिजेंस, प्रद्युम्न क्या है, भगवान है, लॉर्ड है इंटेलिजेंस के, डिजायर के, नीड के। जैसे आप कोई ड्रेस खरीदने जा रहे हैं, तो आपको क्या है, हमें ड्रेस को, आपका अस्तित्व पहचान क्या है, कि मुझे ड्रेस पहनना है। तो क्षेत्र क्या है, आपके घर से लेके दुकान, वो क्षेत्र हो गया। प्रोसेस क्या है, आप टू व्हीलर पे जाओ, फोर व्हीलर पे जाओ, या बस में जाओ, ये प्रोसेस है। गोल क्या है, वो ड्रेस लेना है, ड्रेस के बारे में पता है, जो भी ड्रेस है, जैसे कि टी शर्ट है, शर्ट है, कुर्ता है, जो भी ड्रेस है उसका डिजाइन वगैरह आपको ज्ञान है। लेकिन आप जाने की इच्छा ही नहीं है, तो आप जा पाएंगे क्या, नहीं जा पाएंगे, नॉलेज होने के बाद भी नहीं। तो क्योंकि प्रद्युम्न एस्पेक्ट क्या करता है, उस चार के इसमें इंटरेस्ट जगाता है, डिजायर जगाता है, इच्छा जगाता है, नॉलेज है लेकिन इच्छा नहीं, तो आप नहीं कर पाएंगे। तो ये चार चीज का नॉलेज है, तो इसमें डिजायर, प्रद्युम्न एस्पेक्ट डिजायर दिखाएगा, फिर नीड दिखाएगा, जरूरत है हमें, फिर नीड, डिजायर, इंटेलिजेंस काम करता है हमारा उस समय। तो जब हम प्रोसेस फॉलो करेंगे, फिर हो वासुदेव,
जाएंगे दुकान से टी शर्ट लेंगे या ये पढ़ते रहेंगे सुनेंगे, और जब टी शर्ट हाथ में आता है, गोल आपको मिल गया या कुर्ता आ गया, कुर्ता पहन लिया, तो एक्सपीरियंस कहाँ जनरेट होता है? कौन हाथ ऊपर करके आंसर देगा? उसका जो अनुभव किधर एक्सपीरियंस होता है? हाँ बताइए राहुल प्रभु। अभिधेय? नहीं नहीं उसका अनुभव, आपने अभी खरीद के टी शर्ट कुर्ता या जो भी कुछ लेकर आया तो आपने पहन लिया, तो अनुभव कहाँ पे? आप मन में। मन में, तो मन के लॉर्ड, के मन के लॉर्ड कौन है? अनिरुद्ध। आप समझ गए ये मैकेनिज्म है, ये क्रिएशन में आता है कि शंकरसन पहले आते हैं, फील्ड तैयार करते हैं, फिर वासुदेव आते हैं, समझ रहे हैं? वासुदेव कृष्ण आते हैं, तो ये हमारे शरीर में भी आता है, ये सब होलसेल में क्रिएशन भी होता है और अपने शरीर में भी आता है। अपने शरीर में आइडेंटिटी है, हम शरीर, हम कैसे, हम जो जो भी है, जो प्रभु है, माता है, हम बेटे है, बेटी है, बहू है, जो भी है, माँ है, पिता है, तो हमारी पहचान है। उसके अनुसार क्षेत्र तैयार होता है, उसके अनुसार क्षेत्र में कार्य होता है, ये मैकेनिज्म बोलते हैं। वो कब यूज होता है? जब हम जप करते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा मन नहीं लगता, तो ये मैकेनिज्म काम आता है। आप जो मोटिवेशनल स्पीकर देखते हैं ना, वो आपको क्या करते हैं, सोचते ना उठो, गीता में कहा है, वो आपको प्रद्युम्न एस्पेक्ट से जोड़ने देखते हैं। आपको ज्ञान होता है चीजों का, तो लेकिन वो आपको आइडेंटिफाई कराने देखते हैं चीजों का। ये मैकेनिज्म ऑलरेडी वैदिक में है। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ क्रिएशन में महातत्व में, क्योंकि गोलोक में आदि चतुर्वेद आते हैं, महावैकुंठ में द्वितीय चतुर्वेद आते हैं, और महातत्व में भी चौथे ये तृतीय चतुर्वेद आते हैं। ये चतुर्वेद मतलब वासुदेव, शंकरसन, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। ये जो जो 16 पदार्थ होते हैं या 24 पदार्थ, उसको ये चार इसमें कैटेगराइज होता है, वासुदेव, शंकरसन, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। ठीक है, किस, ओके, क्लियर नाउ? ये मैकेनिज्म है। अगर आप आप जप में बैठेंगे तो आपका अस्तित्व क्या है? अगर हम सोचेंगे कि मैं पिताजी हूँ, मैं बेटा हूँ, मैं ये हूँ, तो आपका मन उधर जाता है। अगर हम सोचेंगे नहीं, मैं गुरु का सर्वेंट हूँ, मेरे को जप करना है, तो आपका क्षेत्र कितना होगा? आप और आपका माला, तो आपका मन उधर ही होना चाहिए, कार्य उधर ही होना चाहिए, और गोल क्या है? अच्छे से जप करना। लेकिन आप मन में कुछ और सोचते तो आर्टिफिशियल फील्ड या आर्टिफिशियल क्षेत्र सामने आ जाता है, तो दोनों क्षेत्र में मन काम नहीं कर सकता, तो दोनों जगह आपको रिजल्ट नहीं मिलती। ये मैकेनिज्म है। ये आगे ये क्यों है? हमारे शरीर में अहंकार है, हमारा शरीर फील्ड है, हमारे शरीर में बुद्धि है, हमारे शरीर में चेतना है, और हमारे शरीर में मन भी है ना, तो इसके सारे भगवान तो वही है, वासुदेव, शंकरसन, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, द लॉर्ड ऑफ आइडेंटिटी, पहचान, लॉर्ड ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि, प्रद्युम्न, लॉर्ड ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना, वासुदेव, और लॉर्ड ऑफ माइंड इज अनिरुद्ध। समझ गए? इसके भी और है, लेकिन इतना तक तो ठीक समझ गया ना तुम लोगों को? ओके, तो ये सब है वैदिक सिस्टम के, तो ये संबंध विद्या प्रयोजन यहाँ से आया। ओके, तत्व कहाँ से आया, रस कहाँ से आया? क्योंकि कृष्ण हमेशा अपनी शक्तियों के साथ इंटरेक्ट करते हुए, राधा हो, गोपी हो, या जीवात्मा हो, या उनके शुद्ध भक्त हो, तो रसा तैयार होता है ना। 12 रसा में से 5 प्राइमरी है, 7 सेकेंडरी है, तो उनके इंटरमिक्सिंग रसा तैयार होता है ना। ये समझ रहे ये सब कि ठीक है, आगे चले, समझा है सबको? प्रभु जी थोड़ा स्लो चलिए। स्लो ये वासुदेव आपने बताया, वो किसके लॉर्ड है? वो चेतना के लॉर्ड है। हाय बोल प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, एक विधि है, आपके पास इसकी स्लाइड होगी तो हमें ग्रुप में दे देंगे क्या? जैसे इसका स्लाइड नहीं आता जी, इसका स्लाइड नहीं है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, उसका स्लाइड नहीं है। अच्छा, नहीं नहीं, आप पीपीटी कर, हाँ ठीक है ठीक है। नहीं नहीं, इसका बनाया नहीं स्लाइड, क्योंकि मैं बनाया नहीं कभी, ये तो मैं ऐसे मेरे मुंह से, वो एक्चुअली वो वैदिक शास्त्र आया, संबंध विद्या प्रयोजन आया, तो मैं बता दिया ये कहाँ से आता है। संबंध विद्या प्रयोजन सब कुछ राधा कृष्ण से ही जुड़ता है, सब राधा कृष्ण से ही आता है। एक बार रिपीट कीजिए बस। नहीं, क्या रिपीट करना है, मैं सारा नहीं कर सकता। वासुदेव, वासुदेव और ये वासुदेव है चेतना के भगवान। शंकरसन है पहचान के भगवान, प्रद्युम्न है बुद्धि के भगवान। ये देखो काम का बताया, देखो किचन में भी काम आता है, जैसे कोई किचन में कुकिंग कर रहा हूँ, लेकिन हम किचन में हम क्या सोच के जाते हैं, मैं प्रभु जी हूँ, मैं माता जी हूँ, जो भी हूँ, ये मेरा किचन है, ऐसे सोच के जाते हैं ना, तो अपनी वो पहचान हो गई। अगर हम सोचते हैं हम कृष्ण के दास है, ठीक है, और किचन में वो सब वो है, वो अपना क्षेत्र बन गया, किचन में क्षेत्र बन गया, तो किचन में क्या करना है, हलवा बनाना है, उसका भी ज्ञान है, हलवा कैसे दिखता है उसका भी ज्ञान है, तो आप जब प्रोसेस फॉलो करेंगे,
ठीक है, हलवा बनाने के, और जब हलवा बनने के बाद गोल आएगा कि हलवा बन चुका है तो आपको मन में खुशी होगी ना, तो ये सब मैकेनिक्स बोलते हैं इसको। मैकेनिक्स को हिंदी में क्या बोलेंगे मुझे नहीं पता। प्रभु जी पहचान के कौन भगवान है, पहचान भगवान कौन है प्रभु जी? शंकरशन, ईगो, ईगो नॉट ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, अभी हम जाएं दूसरे श्लोक में। Yes, प्रभु जी थोड़ा प्रश्न था इसी से रिलेटेड। हाँ बोलिए प्रभु जी। प्रश्न ये था कि जो आपने बताया कि संकर्षण जो संबंध के भगवान है उनके चार आपने वो बताए, संबंध तो हो गया लेकिन अभिदेय और प्रयोजन इससे रिलेट नहीं कर पाए क्योंकि उसके बाद तो प्रद्युम्न जो है वो बुद्धि और वासुदेव चेतना और अनिरुद्ध, ये चार में से ही आता है माता जी। देखो आपने संकर्षण में चार का ज्ञान लिखा है ना जी, आइडेंटिटी। देखो आपको इंग्लिश समझता है ना थोड़ा तो? यस यस यस। देखो शंकरशन इज अ लॉर्ड, मैं हिंदी में बताता हूँ, मेरे को थोड़ा हिंदी में ना फ्लो कैच नहीं कर पाता हूँ। अभी शंकरशन इज उसमें इज अ लॉर्ड ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। तो शंकरशन में क्या होता है, आइडेंटिटी का नॉलेज होता है, फील्ड का नॉलेज होता है, क्षेत्र का नॉलेज होता है, और उस फील्ड में प्रोसेस का भी नॉलेज होता है, लेकिन आप प्रोसेस प्रैक्टिकली फॉलो नहीं कर रहे लेकिन नॉलेज है आपको, राइट। और गोल का भी नॉलेज है लेकिन आपको गोल अभी तक मिला नहीं है, लेकिन आप जब प्रैक्टिकली फॉलो करेंगे तो उसका एक्सपीरियंस भी आएगा आपको, प्रोसेस का प्लस गोल मिलेगा उसका भी एक्सपीरियंस आएगा। समझ गए? Yes, अगर ये किसी को समझ गया ना तो हर कार्य में सक्सेसफुल हो जाएगा क्योंकि ये हम कितना भी जप करते हैं कभी मन विचलित करता है, कभी किसी का चिंता सताता है, तो ये मैकेनिज्म काम आता है मन को खींच के लाने का। हम सोचना चाहिए अरे कहाँ जा रहा है अपना क्षेत्र, फिर दूसरी जगह जा रहा है। जप करने के लिए उतना ही क्षेत्र है, खाना बनाने के लिए उतना ही क्षेत्र है, और वो फोकस रख के हम काम कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली प्रभु जी जो चार चीजें थी उसमें से जो पहला जो बताया संबंध एंड ईगो का ज्ञान, तो वो तो आई मीन क्षेत्र का ज्ञान वही बात हो गई ना फर्स्ट नहीं होती। अगर आप देखो अपनी अपनी पहचान बदलती होती है ना, अभी जैसे आप कुकिंग कर रहे हो तो आप कुक हो गए, जैसे आप बच्चों को संभाल रहे तो आप माँ हो गए, जैसे आप पिताजी माता जी को संभाल रहे आप बेटी हो गए, तो पहचान चेंज होता है, तो उसके अनुसार क्षेत्र चेंज होता है, उस क्षेत्र में कार्य करने के तरीके चेंज होते हैं, उसके पदार्थ क्षेत्र में क्या हुआ, क्षेत्र में पदार्थ क्या क्या है जिससे आप डील करेंगे। जैसे आप कुकिंग में आप कुक है, ठीक है, आप कृष्ण के कुक है, राधा रानी कुक है, या आप आपके पेरेंट्स के कुक है, तो वो भी फर्क पड़ता है ना कुकिंग में, किचन में आप गए तो वो भी फर्क पड़ता है। तो आप जब कुकिंग करें तो कुकिंग में क्षेत्र, कुकिंग आपका क्षेत्र हुआ किचन, तो क्षेत्र में पदार्थ क्या है, क्या छुरी है, स्पून है, फिर सब सामान बनाने के सामग्री है, इंग्रेडिएंट्स है। अब इंग्रेडिएंट्स को कैसा यूज करना उसका भी ज्ञान होता है, उसको बोलते हैं प्रोसेस। क्षेत्र में सब पदार्थ का नॉलेज होता है और गोल क्या पाना है उसका भी नॉलेज, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली फॉलो करेंगे खाना बनाना शुरू करेंगे तब वो अभिधेय होता है, और जब खाना बन के आपके सामने आता है वो प्रयोजन होता है। समझ गए? ये सब राधा कृष्ण से आता है शंकरशन पद्य, इसको चतुर्व्यूह बोलते हैं। इसको एक्चुअली विश्वनाथ, ये सब कोई मैं बाहर से नहीं बोल रहा हूँ, ये जो शंकरशन प्रद्युम्न अनिरुद्ध वासुदेव का जो मैकेनिज्म है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इनको कल्याण गुणास बोलते हैं, कल्याण गुणास। अभी वो क्यों बोलते हैं वो किधर मैंने ढूंढा मिला नहीं मुझे, मैं पूछा भी कन्हैया कृष्ण प्रभु को तो वो भी बोले उनको पता नहीं, मैं वो भी मतलब उनको वो भी बोले मुझे ढूंढना पड़ेगा, वो कल्याण गुणास क्यों बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन वो बोलते हैं चारों को, ठीक है। तो फिर प्रभु जी जब ये चारों समझ आ गया उसके बाद अब इसको रस और तत्व से कैसे रिलेट करेंगे यहाँ पे जो रस? अच्छा प्रश्न है, रस क्या है, तो रस तत्व क्या है मतलब नॉलेज, तो उसमें संबंध अभिदय हो गया, सॉरी संबंध के दो एस्पेक्ट आ गए शंकरशन प्रद्युम्न, वो है तत्व क्योंकि नॉलेज एस्पेक्ट आ गया, लेकिन जब आप उसको फॉलो करेंगे जब गोल आपको आता है तो एक्सपीरियंस आता है, वो है रस, वो है प्रयोजन, वो है अनिरुद्ध। समझ गए? तो तत्व रस आएगा, तत्व आएगा शंकरशन और प्रद्युम्न, प्रद्युम्न में है, और रस आएगा अनिरुद्ध में। ये बहुत अच्छा है, आप मैकेनिज्म आप किताबों में पढ़ सकते हैं बना के इसको, ये एक मैकेनिज्म है, ये सब मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स। प्रभु जी रस और तत्व में वासुदेव नहीं, तत्व वो नहीं यार? नहीं वासुदेव तो प्रोसेस है ना, वो दोनों का टच है उसमें। ओके क्योंकि वो प्रोसेस है, वो दोनों रहेगा ना उसमें, वासुदेव में तत्व का नॉलेज भी होगा और रस का एक्सपीरियंस भी होगा जब आप कर रहे हैं, लेकिन गोल आएगा तो एक्चुअल में विल गेट द रस, क्योंकि एक्सपीरियंस प्रोसेस का भी होता है, आप प्रोसेस करेंगे तो उसका भी एक्सपीरियंस आता है, और जब आपको गोल हासिल करेगा तो उसका। तत्व रसों को जोड़ता है वासुदेव अपना कॉन्शियसनेस,
सो तत्व रस अलग अलग नहीं है, वो हैंड इन हैंड जाते हैं। हैंड इन हैंड मतलब एक के साथ साथ जाते हैं, हाँ साथ साथ जाते हैं। तो तत्व में कृष्ण सुप्रीम है और रस में राधा सुप्रीम है। तो इसलिए अपने ट्रेडिशन को क्या बोलते हैं, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना मोनोथियस्टिक, पैंथियस्टिक, ये समझा ये टर्मिनोलॉजी किसने सुना है क्या पहले कभी? मोनोथियस्टिक, पैंथियस्टिक। मोनोथियस्टिक मतलब एक भगवान की पूजा करना, पैंथियस्टिक मतलब सब सब भगवान की पूजा करना, सब सबको भगवान मानना, पैनेंथियस्टिक मतलब भगवान सबके अंदर मानना, सब ये कभी सुना है टर्मिनोलॉजी? नो, पहली बार सुन रहे। अच्छा ये वेस्टर्न फिलोसफी के है, तो लेकिन हम उसको क्या बोलते हैं, ये दोनों को एक साथ राधा कृष्ण एक साथ परम सत्य है, तो तत्व रस दोनों से आते हैं। तो हम बोलते हैं हमारा ट्रेडिशन क्या है, पॉलीमॉर्फिक बाय मोनोथियस्टिक रिलीजन। रिलीजन नहीं मतलब पॉलीमॉर्फिक मतलब पॉली मतलब बहुत सारे, मॉर्फिक मतलब सादे सारे सारे रूप फॉर्म्स, कहाँ से आते हैं, बाय मोनोथियस्टिक एक ही गॉड, बाय मतलब दो एक ही, मोनोथियस्टिक मतलब एक ही राधा कृष्ण एक ही है, उनसे दो सारे फॉर्म्स इस दुनिया में निकलते हैं, मोनोथियस्टिक। आप समझ गए? ठीक है, वेस्टर्न था थोड़ा सा। ओके तो अभी 16 का श्लोक पढ़े अभी। हरे कृष्ण गुरु जी, छोटा सा एक डाउट था। हाँ बोलिए ना प्रभु। जैसे हम वृंदावन के आपके यहाँ से आवाज बहुत आ रही है प्रभु जी, सुनाई नहीं दे रहा। हरे कृष्ण। हाँ जैसे प्रभु जी वृंदावन में जो है राधा मदन मोहन और जो राधा मदन मोहन गोविंद देव और गोपीनाथ, तो संबंध अभी देव प्रियजन की बात करते हैं तो संबंध का तो राधा मदन मोहन का बोलते हैं। काफी सारे आचार्यों का डिफरेंट डिफरेंट मत है, कोई बोलते हैं कि प्रियजन के विक्रय हैं गोविंद देव, कोई लोग बोलते हैं कि प्रियजन के विक्रय हैं गोपीनाथ जी हैं, तो दोनों में इंटरचेंजिंग कई बार वैष्णव में बहुत इसका डिफरेंस है। नहीं वो तो क्लियर है ना, तो क्लियर तो बताए कि मदन मोहन संबंध के है, मदन मोहन गोविंद और गोपीनाथ, गोविंदा अभिदय के है, गोपीनाथ प्रयोजन के, तो क्लियर है। ऐसे कौन से आचार्य भक्ति रसामी संत के अनुसार देखते हैं कि राधा गोविंद देव वो प्रयोजन के विग्रह हैं, क्योंकि वहां पर सब रस संबंधी बातें की गई, जैसे भक्ति रसामी संत में रूप गोस्वामी ने पूरा रस संबंध की बातें की है, तो प्रयोजन अल्टीमेट हमारा श्राद्ध क्या है, गोल क्या है, उसकी सब चर्चा की है। तो रूप गोस्वामी द आचार्य और प्रयोजन, सो दैट्स व्हाई द गोविंद देव दैट द विग्रह और प्रयोजन विग्रह। नहीं आप, मैं ठीक से सुना नहीं, आप क्या बोल रहे हैं कि रूप गोस्वामी प्रयोजन आचार्य ऐसे बोल रहे हैं? हाँ ऐसे बोल रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं आप? हाँ ऐसे बोल रहा हूँ। तो रूप गोस्वामी के ड्यूटी कौन से आप बोल रहे हैं, गोविंद देव? हाँ ऐसा भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है? नहीं वो जो राधा गोविंद देव का जो टेम्पल था रूप गोस्वामी ने बनवाया था ना, उनके वही विग्रह थे ना। हाँ तो लेकिन आप वो तो अभिदय आचार्य है ना? नहीं अभिदय आचार्य तो सनातन गोस्वामी है ना, मदन मोहन। नहीं वो तो संबंध के है। हाँ तो संबंध के है, संबंध के है वो। ठीक है वो संबंध के है, मदन मोहन गोविंदा और गोपीनाथ, गोविंदा है अभिदय के और गोपीनाथ है प्रयोजन। ठीक है इसलिए हम रूपानुगा के फॉलोअर है, उन्होंने भक्ति रसामृत सुंदर सिंधु एक अभिदय शास्त्र है, हालांकि संबंध मतलब नॉलेज भी है लेकिन अभिदय शास्त्र है। ठीक है तो भक्ति रसामृत सिंधु प्रयोजन की बात नहीं करता है, केवल प्रोसेस की बात करता है। प्रोसेस भी है प्रयोजन भी है, दोनों की है। प्रयोजन क्या है, कृष्ण को खुश करना, लेकिन कृष्ण को खुश करने के भी बहुत तरीके है, उसमें तो प्रोसेस ही है लेकिन गोल भी तो बताएंगे ना, गोल ही नहीं बताएंगे सिर्फ प्रोसेस बताएंगे तो गोल कैसे काम करेगा। उसमें गोल भी है कि कृष्ण की भक्ति करना, लेकिन भक्ति कैसे करना वो बता दिया है ना, प्रोसेस प्रोस हमारा कैसे, वो कहते ना एंड एंड जस्टिफाई क्या एंड जस्टिफाइज द मींस ऐसे कुछ बोलते हैं ना, ऐसा सेइंग है कुछ इंग्लिश में। तो प्रोसेसर है, गोल भी तो है कृष्ण को खुश करना, तो वो अभिदय शास्त्र है। नेक्टर ऑफ डिवोशन इज 100% अभिदय शास्त्र। ओके इसका मतलब नहीं कि प्रयोजन शास्त्र नहीं है, वो प्रयोजन के बारे में दिया है, और डिटेल पढ़ना है प्रयोजन के बारे में तो प्रीति संदर्भ में है, भगवान का प्रेम क्या है। ठीक है तो पूजी जैसे गोपीनाथ को क्या बताया गया, ऐसे वो क्या नाम है उसके, जो हमारे आचार्य गोपीनाथ के जो भी आचार्य थे उनकी सेवा करने के लिए क्या नाम था? ठीक है वो तो टॉपिक के ऑफ है, बाद में हम बात करते हैं, वरना वो खत्म नहीं होगा क्योंकि 4 दिन में बहुत है, मैं देखा तो 40-40 श्लोक है। ठीक है मैं बताऊंगा, शंकरशन पद्मिन अनिरुद्ध वासुदेव क्रिएशन से रिलेटेड है संबंध अविद्या प्रयोजन,
और स्पिरिचुअल वर्ल्ड से रिलेशन है मदन मोहन गोविंदार गोपीनाथ, क्योंकि वहां रसा से शुरू होता है, यहाँ पे तत्व ऐड करना पड़ता है, ठीक है, इसका डिटेल बता दूंगा बाद में, ठीक है। हम श्लोक नंबर 16 पे जाते हैं, ओके। नारायण परो योगो, एक मिनट मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। नारायण परो योगो, नारायण परम तप, नारायण परम ज्ञानम, नारायण परागति। अभी कौन पढ़ेगा? सुरेश प्रभु आप पढ़ेंगे थोड़ा। हरे कृष्णा, पढ़िए। सभी प्रकार के ध्यान या योग नारायण की अनुभूति प्राप्त करने के लिए है। सारी तपस्याओं का लक्ष्य नारायण को प्राप्त करने निमित्त है। दिव्य ज्ञान का संवर्धन नारायण की झलक प्राप्त करने के लिए है, और परम मोक्ष तो नारायण के धाम में प्रवेश करने के लिए ही है। धन्यवाद। हाँ, तो सब कुछ जीव गोस्वामी यहाँ पे लिखते हैं श्लोक पे कमेंट्री में कि योग और सांख्या भी नारायण के इस पे ही आधारित है। तो जो भी योग या सांख्या की भक्ति जो भी करता है उसको भक्ति थोड़ी करनी पड़ती है उसका फल पाने के लिए। योग और सांख्या का फल पाने के लिए बिना नारायण के उनको, जिसको अगर ब्रह्म में विलीन भी होना है तो भक्ति तो करनी पड़ती है। नारायण के ही कृपा से वो ब्रह्म में विलीन होता है, वरना बिना भक्ति के वो कुछ भी नहीं पाएगा। तो ये सबको नारायण पे ही डिपेंड होना पड़ता है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्यों में वही देते हैं कि सांख्य योग के बारे में बताते हैं कि कुछ कुछ सांख्य योगी लोग ब्रह्म विलीन होना चाहते हैं तो वो भी भगवान के ही कृपा से होता है, और कुछ कुछ योग अभ्यास करते हैं मुक्ति पाने के लिए वो भी भगवान की कृपा से ही होता है। लेकिन प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं कि ब्रह्म ज्योति के ऊपर भी आध्यात्मिक जगत है, तो जिसे भक्त लोग पाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अभी उसके बाद अभी इफ नारायण, अभी क्वेश्चन आता है कि हमने 15-16 श्लोकों में देखा है, 14-15-16 में, कि नारायण आधार है, कि सब कुछ नारायण से भिन्न है, नारायण ही सब कुछ, नारायण की शक्तियां है, तो नारायण ही आधार है, नारायण ही सब कुछ है। तो फिर नारद मुनि पूछते हैं तो आप क्या करते हैं फिर? तो अभी श्लोक नंबर 17-20 ब्रह्मा जो जीवात्मा है और विष्णु, इन दोनों में अंतर बताया है 17-20 कि जीवात्मा और भगवान विष्णु में अंतर है 17-20 कि ब्रह्मा एक जीव तत्व है और विष्णु एक विष्णु तत्व है, तो इन दोनों में अंतर बताया 17-20, ठीक है, ओके। मैं जल्दी ये श्लोक खत्म करके 21 पे आना चाहता हूं, फिर थोड़ा आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है, ओके। तो अभी श्लोक नंबर 17, तस्यापि द्राष्टुर ईशस्य कुटस्तस्याखिलात्मनः सृज्यां सृजामि शिष्टोऽहम् इक्षये वा विचोदितः। तो कौन पढ़ेगा, किसका नाम है इधर? मैं जैसे मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है ऐसे पढ़ रहा हूँ। हाँ ठीक है, सुकुमारी माता जी आप पढ़िए थोड़ा अनुवाद। हाँ, उनके ही द्वारा प्रेरित होकर मैं भगवान नारायण द्वारा सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में उनकी ही दृष्टि के सामने पहले जो सृजित हो चुका है उसी की फिर खोज करता हूँ, और मैं भी केवल उन्हीं के द्वारा सृजित हूँ। हरे कृष्ण। तो क्या बोलते हैं कि उनके द्वारा प्रेरित होकर मैं भगवान नारायण द्वारा सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में उनकी ही दृष्टि के सामने पहले जो सृजित हो चुका है, पहले जो भगवान ने बनाया है, तो मैं उसी को ही फिर से बनाता हूँ, कि मैं भगवान से प्रेरित होकर मैं करता हूँ ये सारा। तो ये विश्वनाथ श्री ठाकुर भी लिखते हैं कि भगवान जब सृष्टि का सृजन करते हैं अपनी दृष्टिपात से, उसके बाद सब कुछ सृष्टि होने के बाद जो डंडी में होता है, तो ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान सारा इसका बनाने के बाद मैं उसको आगे बनाता हूँ, ये देते हैं। और प्रभुपाद जी लिखते हैं अपने तात्पर्यों में इस ब्रह्मांड के जो सृष्टि के क्रिएटर है वो है ब्रह्मा जी, ओके। ब्रह्मा जी क्या करते हैं, वो इंस्पायर्ड होते हैं नारायण से और उनके ही उनके ही सुपरिटेंडेंस में वो बनाते हैं, ओके। अभी फिर आगे लिखा है कि फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं दो टाइप की आत्मा है, एक तो परमात्मा, एक तो इंडिविजुअल आत्मा, मतलब एक आत्मा है और एक परमात्मा है। तो प्रभुपाद जी आगे भी लिखते हैं, उनमें डिफरेंस बताते हैं प्रभुपाद आगे कि परमात्मा और आत्मा में क्या फर्क है।
तो फिर आगे के लाइन बता इस आगे बताते प्रभुपाद कि कैसे हम ये ज्ञान कैसे समझेगा। आगे प्रभुपाद बताते, देखो यहाँ से पढ़ना। हरि बोल। औदार्य लीला माता जी, आपका म्यूट कीजिए ना प्लीज, प्रभु जी का सुनाई नहीं दे रहा है। औदार्य लीला माता जी। अच्छा अभी ये पढ़ेंगे। अच्छा यहाँ से पढ़ेंगे कौन कौन के बाद निर्वरधारी पुरुष पढ़ेंगे आप। इस तरह श्री भगवान कर्ता को उसी अनुपात में शक्ति प्रदान करते हैं जिस अनुपात में वह श्री भगवान के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करता है। ब्रह्मा श्री भगवान के महान भक्त है, अतएव श्री भगवान ने उन्हें शक्ति दी, या यो कहे कि ये प्रेरणा दी कि हमारे समक्ष जैसा ब्रह्मांड है वे वैसे ही ब्रह्मांड की सृष्टि करें। श्री भगवान ने इसी तरह अर्जुन को कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। हाँ, बस बस बस। तो भगवान ब्रह्मा जी को भगवान ने प्रेरित किया और प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हमें आत्मसमर्पण करना होगा भगवान के चरणों में, तब ये ज्ञान आएगा। ये ज्ञान पढ़ने से नहीं आता है, ये भगवान की भक्ति करने से, साधना करने से ये ज्ञान समझ में आता है। ठीक है, तो आगे प्रभुपाद जी वही लिखते हैं कि ब्रह्मा सबसे बड़े बुद्धिमान व्यक्ति है और ये जीवात्मा कैसे है ना एक मशीन में जाता है, यंत्राउढ़ानी माया। या मैं क्यों आगे जा रहा हूँ, ठीक है, इसमें तो मेन चीज तो मैंने बता दिया। तो हम आगे श्लोक में जाते हैं। 18 श्लोक में क्या बताते हैं कि भगवान ब्रह्मा जी बता रहे कि क्या अंतर है, भगवान इन तीन गुणों के नियंत्रण है। कैसे करते हैं तीन गुणों को नियंत्रण, अपने माया शक्ति से करते हैं, ब्रह्मा जी ये बता रहे हैं। ठीक है, तीन गुणों का नियंत्रण करते हैं। सत्वम रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणस्त्रयः स्थिति सर्ग निरोधेषु गृहीता मायया विभो। अभी अनुवाद किसका टाइम है पढ़ने का, श्याम भजन प्रभु आप पढ़िए। हरे कृष्णा। पढ़िए। परमेश्वर अपने शुद्ध आध्यात्मिक रूप में सारे भौतिक गुणों से परे होते हैं, फिर भी भौतिक जगत के सृजन, उसके पालन तथा संहार के लिए अपनी बहिरंगी शक्ति के माध्यम से प्रकृति के गुणों को, सत्व रज तथा तमो गुणों को स्वीकार करते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, तो अभी विश्वनाथ चुके ठाकुर इसमें लिखते हैं कि ये कैसे संभव होता है कि जीवा और परमात्मा में अंतर कैसे है, कैसे हो सकता है, कैसे अंतर है। तो इसमें लिखते हैं क्योंकि ब्रह्मा जी प्रेरित होते हैं और भगवान उन्हें प्रेरणा देते हैं, और एक बोलते हैं कि भगवान तीन गुणों को भगवान को बिलोंग करते, बिलोंग मतलब भगवान के है वो तीन गुण, लेकिन भगवान को कोई गुण नहीं है, ये कैसे हो सकता है। तो वहां लिखते हैं कि ये जो तीन गुण है भगवान की माया एक्सेप्ट करती है, और भगवान की माया क्या है, वो भगवान की शक्ति है, बहिरंग शक्ति है, तो माया इस गुणों को लेती है। तो माया क्या है, हमने देखा ना शैडो है ना तीन गुणों माया, तो ये शैडो है। तो अगर ओरिजिनल देखेंगे लक्ष्मी, लक्ष्मी के भी तीन, लक्ष्मी के तीन गुण है, संदिनी संवित अल्लाधी, सुना है ना आप लोगों ने, ये सुना है कि नहीं इसके बारे में, ये सीसी आदि लीला चैप्टर 4 में। तो संदिनी मतलब एग्जिस्टेंशियल शक्ति, एग्जिस्टेंशियल मतलब क्या बोले अस्तित्व शक्ति, संवित मतलब ज्ञान की शक्ति, और अल्लाधीनी मतलब खुशी प्लेजर की शक्ति। तो वो जब इधर आते हैं तो संदिनी चेंज होती है तमोगुण में, संवित चेंज होती है रजोगुण में, और अल्लाधीनी चेंज होती है सतोगुण में। ठीक है, ओके। तो ये संदिनी संवित अल्लाधीनी आध्यात्मिक जगत में भी है, तो आध्यात्मिक जगत के जो बहुत सब चीजें एग्जिस्ट होते हैं संदिनी शक्ति से, आध्यात्मिक जगत में जो कृष्णा गोपी गोपा उनके बीच में जो ज्ञान होता है संवित शक्ति से, और उनके जो आदान प्रदान से जो खुशी मिलती है अल्लाधीनी शक्ति से। यही संवित संदिनी अल्लाधीनी जीवात्मा भी है, लेकिन जीवात्मा में भी है लेकिन छोटे मात्रा में है। तो जीवात्मा का अस्तित्व आत्मा, हम शरीर ने आत्मा, जो आत्मा का अस्तित्व है संदिनी शक्ति से, आत्मा का जो ज्ञान है कि हमें आत्मा हो, जीवात्मा को जो साक्षात्कार होता है वो संवित शक्ति से, और जो आत्मा में रमण करता है, आत्मा का आत्मा के स्तर पे आता है, ब्रह्म के स्तर पे आता है, उसको कहते हैं अल्लाधीनी शक्ति।
ठीक है। और जब आध्यात्मिक जगत की संवित अल्लादिनी जीवात्मा में जाती है तब जीवात्मा को भगवत ज्ञान की प्राप्ति होती, विश्वनाथ चक्र ठाकुर लिखते, समझ गए। और यही संदिनी संवित अल्लादिनी भौतिक जगत में उसकी परछाई आती है। तो परछाई कब बनती है, तो परछाई कब बनती है और कब बनती है, तमोगुण रजोगुण सतोगुण, अभी ध्यान से सुनो। जब हम गुलाब जाम खाते हैं ना, गुलाब जाम सब लोग खाते हैं, गुलाब जाम नहीं खाते, कौन खाता है गुलाब जाम, गुलाब जाम देखा है, गुलाब जाम जब हम, मैं क्यों कहता हूँ कि आप लोग कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करते, गुलाब जाम बोलो तो आप मेरे चेहरे को देखे रहते हो, मैं क्या बोलो तो जो गुलाब जाम होता है, तो जब हम भगवान को ऑफर करके खाते हैं तो क्या होता है, ठीक है, तो वो जो खुशी मिलती है अल्लादिनी शक्ति की मिलती है, लेकिन अल्लादिनी क्या है, रिफ्लेक्टेड परछाई, जो ओरिजिनल अल्लादिनी की परछाई है। कोई गुलाब जाम का नॉलेज क्या है, ये प्रसाद है, संवित पोटेंसी। हम क्यों खा रहे हैं कि हम भगवान के दास है, भगवान से आई, ये नॉलेज है संदिनी से। लेकिन जब हम भगवान को हटा के बिना ऑफर करके गुलाब जाम खाएंगे तो उसका जो खुशी मिलता है वो सतोगुण से, उसका जो ज्ञान है गुलाब जाम है रजोगुण से, और उसका जो अस्तित्व और अपना अस्तित्व है भोगी करके तमोगुण से। इंटरेस्टिंग है ना, क्योंकि देखो ये दुनिया भौतिक जगत की परछाई है, बराबर। तो आप देखो अगर यहाँ सामने आईना हो और आईने में मैं समझो हमारे मित्र गिरिवरधारी के चरण को दबा रहा हूँ, मैं हकीकत में दबा रहा हूँ, तो आईने में कौन किसके चरण दबा रहा है, चाहे उत्तर दे दो, उल्टा होगा, आप गिरिवरधारी आपके ऊपर, ऐसे कैसे ऐसा नहीं होता है अगर मैं गिरिवरधारी के चरण दबा रहा हूँ तो आईने में क्या वो मेरे चरण दबा रहे हैं क्या, आईने में तो वही दिखेगा ना, आईने में देखा है अपने, आईने में नहीं देखा है, अभी क्या है भक्त लोग सिर्फ आईना इतना टिलक लगते रहते हैं ना, बड़ा आईना नहीं होता, होता है क्या आईना, बड़ा होता है ना आईना, तो होता है ना आप लोगों के पास आईना, छोटा टिलक, हमको तो बड़ा ही चाहिए प्रभु, नहीं नहीं आश्रम में भी बड़ा ही होता है, क्योंकि मेरे यहाँ का शेव कैसे करेंगे, उसमें से देख के नहीं कर सकते। हाँ तो मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ तो आत्मा, हाँ सॉरी सॉरी, तो अगर मैं गिरिवरधारी प्रभु के चरण दबा रहा हूँ तो आईने में भी मैं ही दबा रहा हूँ। तो मेरा बोलने का इसका प्रिंसिपल पॉइंट क्या है, जब ये दुनिया, दिस ऐसे लिखे ना, ये दुनिया भौतिक जगत की रिफ्लेक्शन है, तो जब भौतिक जगत में कौन भोगता है, कृष्ण, सॉरी आध्यात्मिक जगत का रिफ्लेक्शन है, तो आध्यात्मिक जगत में कौन इंजॉयर है, कृष्ण, तो उसी कृष्ण को हम इस भौतिक जगत में रखेंगे तो बराबर आध्यात्मिक जगत का परछाई हो जाएगा, बराबर। लेकिन जब हम कृष्ण को हटाएंगे और हम इंजॉयर बनेंगे तो ये परवर्टेड रिफ्लेक्शन हो जाएगा या विकृत प्रतिबिंब हो जाएगा, आप समझ गए। तो वैसे ही ये जो शक्ति के बारे में है, तो जब हम कृष्ण को रख कर भगवान को कुछ भी ऑफर करते या कैसे अपना जिंदगी गुजारते तो संदिनी संवित अल्लादिनी उसकी परछाई आती है। लेकिन हम भगवान को हटा के तो रजोगुण तमोगुण और सतोगुण आता है, आप समझ गए। अरे ये सब प्रभुपाद का है, प्रभुपाद लिखते हैं ना योग माया महामाया, मैं सारे कोट बता दूंगा, तो बोलते योग माया चेंजेस इनटू महामाया, महामाया चेंजेस इनटू योग माया, वो अपनी इच्छा के अनुसार। अभी देखो प्रसाद खाते गुलाब जाम जो भगवान को ऑफर्ड है और बाहर का खाते, जमीन आसमान का फर्क है ना टेस्ट में, क्या नहीं सेम है, फर्क है ना थोड़ा सा, क्योंकि वो पोटेंसी चेंज होती है, क्योंकि यहाँ पे डिवोटी ऑफर करता है, शुद्ध होता है, उसका अस्तित्व चेंज होता है, हम कृष्ण के दास बोलते हैं, नॉलेज है कृष्ण का दास, और क्या भगवान का प्रसाद, वो जो भगवान का सारा कार्य आध्यात्मिक शक्ति में होता है ना, अल्लादिनी पोटेंसी में जो भी खुशी मिलती है, समझ गए, ठीक है, ओके। तो ये जो है ये भगवान के, जो भगवान के और भगवान से शक्ति में जो बताते हैं भक्तिविनोद ठाकुर अपने भागवत अर्च मरीचि माला, ये बुक के बारे में सुना है आपने, ये सब भागवतम के स्ट्रक्चरल पॉइंट बताता है, भागवत अर्क मरीचि माला ये बुक मिला था, हाँ सुना है क्या आपने बुक के बारे में, अच्छा ये बुक में दसवें अध्याय में ये श्लोक कोट करके अचिंत भेदा भेद का बताते हैं, भगवान और भगवान के शक्ति का ये जो तुलना है वो बताते हैं, ठीक है, भगवान और भगवान के शक्ति में अचिंत भेदा भेद एक भी है और नॉन डिफरेंट भी है, ठीक है। तो देखो अभी प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं,
आप लोगों ने ठीक है ना, ये सब मैं जो बता रहा हूँ इसका रेफरेंस है, हाँ ऐसा नहीं है, ये सब ट्रांसफॉर्म होते हैं एनर्जीज, इसका रेफरेंस है। अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो मैं खोल के दिखाऊंगा तो समझ जाएगा। भक्तिनाथ ठाकुर की किताब है कृष्ण संहिता, देखा है आपने, सुना है इस बुक के बारे में, उसमें देख लीजिए मिल जाएगा ये सब। ये उदाहरण तो मैंने आपने दिया, लेकिन उसमें जो शक्तियों के बारे में ऐसे देते हैं। ओके प्रभु जी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के लिए जब आपने बताया था कि वो आत्मा और उसके बारे में बताते हैं, तो वो एग्जैक्टली उसको कैच नहीं कर, क्या बोले जो आपने बताया था ना कि संवित संधनी और आह्लादिनी शक्ति जो है आत्मा के रेफरेंस में कैसे कार्य करती है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, दैट इज द संवित एंड देन आह्लाद होता है कि आत्मा में रमण करता है जीव। आत्मा का जो आत्मा का वो शरीर नहीं आत्मा, आत्मा के स्तर पे आता है वो आह्लादिनी, उसको जो खुशी मिलता है आत्मा के स्तर जो रमन करता है वो हो गया। फिर आपने कहा तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इसके विषय में कुछ स्पेशल कमेंट आपने बताया, नहीं मैंने विश्वनाथ जी ठाकुर क्या मैं ऐसे नहीं, इसी विषय में कुछ आपने बोला था वो हम मिस कर, नहीं 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 मैं कह रहा था कि ये बता रहा था कि विश्वनाथ जी ठाकुर बोलते हैं कि जीव और ईश्वर में अंतर क्या है, वो कैसे अंतर है कि एक प्रेरणा देता है और एक प्रेरणा लेता है। तो फिर विश्वनाथ जी ठाकुर आगे लिखते हैं कि तीन गुण भगवान पे आधारित है, ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण, मतलब कैसे तो भगवान पे कैसे आधारित है, भगवान की माया शक्ति उसको अडॉप्ट करती है, तो माया कैसे भगवान से रिलेटेड है, भगवान की शक्ति है बहिरंग शक्ति। तब मैं बोला अगर माया शक्ति सतोगुण रजोगुण और तमोगुण को करती है तो माया तो परछाई है लक्ष्मी की, तो लक्ष्मी में कौन से गुण होते हैं, संदिनी संवित आह्लादिनी वाचामसी वैकुंठ गुणान वर्णने, तो ये रिफ्लेक्स होता है तो ये भी चेंज होता है। अगर हम जब इच्छा भक्त बनेंगे तो देखो एनवायरमेंट भी वैसे चेंज होता है, अभी जो भी भक्त बने और जो बाहर के लोग उनमें देखो जमीन आसमान को भर के बैला है, हालांकि वो कार्य सेम करते हुए उनकी चेतना में उनके आउटलुक में उनके दृष्टिकोण में सब चेंज होता है, क्योंकि वो पोटेंसी चेंज होती है। ठीक है, भक्त के हाथ का बना हलवा और बाहर के बंदे का हाथ का हलवा बना बहुत फर्क होता है, वो पोटेंसी काम करती है। ओके तो ठीक है, हम अभी हाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, वही लिखते हैं कि भगवान की माया शक्ति है वो तीन गुणों के आधार पर है, परमेश्वर की बहिरंग शक्ति सतोगुण रजोगुण तम, और ये जो संवित आह्लादिनी संवित का भी आगे प्रभुपाद जी परपट में देते हैं। हाँ मैं ये सब बताया, मुझे जो ढूंढना पड़ेगा और कुछ नहीं, ये कृष्ण संहिता में भी है और प्रभुपाद जी अपने सेकेंड कैंटो के कुछ आगे के चैप्टर्स में भी देते हैं। ठीक है, ओके हाँ ठीक है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान कृष्ण कैसे, भगवान कैसे भौतिक शक्ति भौतिक एनर्जी के कंट्रोलर है, कैसे माया अध्यक्ष ने प्रकृति कैसे कंट्रोल करते हैं, इनडायरेक्टली अपने एनर्जी के द्वारा इसको कंट्रोल करते हैं। ओके तभी श्लोक नंबर 19 में लिखा है, लेकिन ये तीन गुण जीवा को तो बांधते हैं। ओके श्लोक नंबर 19, तीन गुण ये जीवात्मा को बाधते हैं, कार्य कारण कृतृत्वे द्रव्य ज्ञान क्रियाशय बदनंति नित्यदा मुक्तम माइनाम पुरुषम गुणाः। अब ये तीन गुण कैसे बांधते हैं, अभी किसका समय है पढ़ने का, कौन है आपने, जय श्री माता जी, आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, पढ़िए। भौतिक भौतिक प्रकृति के ये तीनों गुण आगे चलकर पदार्थ ज्ञान तथा क्रियाओं के रूप में प्रकट होकर सनातन रूप से दिव्य जीव को कार्य कारण के प्रतिबंधों के अंतर्गत डाल देते हैं और ऐसे कार्यों के लिए उसे उत्तरदायी बना देते हैं। थैंक यू प्रभु। राइट, तो भौतिक प्रकृति तीन गुणों के आगे चलकर पदार्थ ज्ञान तथा क्रिया, ये मैं क्रिएशन में बताऊंगा जब 21वें श्लोक से हम हो गए ना 19-20, ये कैसे ये याद रखना, ये सब चलकर पदार्थ द्रव्य ज्ञान और क्रिया ये शक्तियां होती है जिसके रूप में वो प्रकट होते हैं तीन गुण। ये तीन गुण आगे ट्रांसफॉर्म होते हैं, ट्रांसफॉर्म मतलब आगे चेंज होते हैं, द्रव्य क्रिया और ज्ञान। तो द्रव्य क्रिया ज्ञान कैसे, कार्य कारण और कृतित्व, तो कार्य कारण कृतित्व के कार्य मतलब क्या है, जो उसका कार्य मतलब जिससे हम कुछ करते हैं इफेक्ट, कार्य कारण मतलब कॉज एंड कृतित्व मतलब एक्टिविटीज। सो कार्य किस में आ गया, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते कार्य आदिभूत में आ गया, कारण इफेक्ट जो है आदिभूत में आ गया, और कारण कॉज अध्यात्म, और कृतित्व मतलब आदिदैव जो कार्य करवाता है। ओके जैसे हम लोग है
का इफेक्ट क्या है हमारा इस शरीर ये आदि भूता, ओके, और इसके पीछे जो है ना कॉज क्या है हम लोग आत्मा, वो है कारण अध्यात्मा, बराबर। और ये आत्मा और ये जो शरीर को जो कार्य करवा रहा है, जैसे कि अभी मुझे मोबाइल को उठाना है, मैंने हाथ से उठाया तो मेरा हाथ कौन चला रहा है? देवता, आत्मा नहीं चला रही है। आत्मा सिर्फ इच्छा करती है और परमात्मा सैंक्शन करता है और दैव आदि दैव कृतृत्व वो कार्य को चला रहा है, ठीक है। तो जैसे द्रव्य क्रिया और ज्ञान, द्रव्य मतलब ये कार्य से रिलेट हो गया, द्रव्य मतलब ये सब मैटर पंच महाभूत, क्रिया मतलब 10 इंद्रियों से हम क्रिया करते हैं, और देवता मतलब उसके कंट्रोलर, जो हमारे जो इंद्रियों के कंट्रोलर जो हमसे करवाते हैं, समझ गए, ठीक है। तो ये जीवात्मा को कराते हैं, तो ऐसे जीवात्मा बद्ध हो जाता है, हमको कोई करवाता है ऐसे कि हम जब भी इच्छा करते हैं तो इच्छा जरूरी नहीं कि हर एक इच्छा पूरी हो, लेकिन जो इच्छा कर्म के अनुसार है परमात्मा सैंक्शन करते हैं तो प्रकृति करवाती। अगर मुझे कुछ ग्लास उठाना है, अगर मैंने ग्लास उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया लेकिन मेरा परमात्मा ने सैंक्शन आगे तक ही किया, उसके आगे नहीं किया, तो मेरा नस दब गया तो मेरे को पैरालिस हो जाएगा, तो देवता आगे नहीं कर पाएंगे। तो परमात्मा कर्म के अनुसार सैंक्शन करते है, समझ गए। तो ऐसे जीवात्मा बाधित रहता है उसमें, ओके। तो इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में कार्य कारण कर्तृत्व, तीन एग्जांपल्स बताओ ना प्रभु जी, कार्य कारण कर्तृत्व क्या बोले, बताया ना कार्य का क्या है, कार्य अभी कार्य को क्या बोलते हैं, कार्य को बोलते हैं इफेक्ट, इफेक्ट, ठीक है, इफेक्ट है। कारण मतलब कॉज, कॉज और इफेक्ट, कॉज है ना, कारण मतलब कॉज। तो अभी समझो अपना शरीर को इफेक्ट बोला है, इफेक्ट कार्य बोला है, तो अपना वो शरीर क्यों आया, आत्मा के वजह से, आत्मा की इच्छा के वजह से, तो आत्मा उसका कारण हो गया, अध्यात्मा शरीर आदि भूता। और ये शरीर को कौन चला रहा है, आदि दैव मतलब कृतृत्व, इसको कौन चलवा रहा है, देवता लोग, ठीक है। तो इसके रिलेटेड वही द्रव्य क्रिया और ज्ञान, प्रभु जी कर्तृत्व आदि दैव, कर्तृत्व आदि दैव ना, हाँ कृतित्व देवी देवता लोग चलाते हैं। आपने देखा ना किसी की आंख ऐसे बहुत फड़कती है, ऐसे 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 किसी की आंख ऐसे होते है, किसी का ऐसे ऐसे फड़कती है, तो देवता करवाते है, जो हवा का सर्कुलेशन होता है उससे देवता करवाते है, देवता। कारण, कारण को क्या है प्रभु जी, कार्य आदिभूत कर्तृत्व आदि दैव, कारण अध्यात्म, अध्यात्म यानी आत्मा ना, हाँ इस ये कहीं पर भी ऐड हो सकता है, ठीक है, हाँ ठीक है प्रभु, कॉज इफेक्ट आप ऐड कर सकते हैं, तो मैं शरीर के रिलेटेड बता दिया, ठीक है, हाँ हाँ प्रभु जी, थैंक यू। प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं तात्पर्य में, पहले लाइन में लिखते हैं, बोलते हैं कि ये सब अंतरंग और बहिरंग शक्तियों के बीच में चल रहा है, और इनके ये जो जीवात्मा है अंतरंग और बहिरंग के शक्ति के बीच में तटस्थ है। और प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जीवात्मा को इस जीवात्मा भौतिक शक्ति के भीतर बाध्य होने के लिए नहीं बना है, लेकिन वो क्यों बन जाता है, प्रभुपाद बोलते हैं क्योंकि उनको एंजॉय करना आता है। इसलिए आपने महाविष्णु देखा ना, टाइम है, जीवात्मा है और ईगो है। ईगो क्या है, फॉल्स आइडेंटिटी, फॉल्स मतलब फेक आइडेंटिटी, कि उनको एंजॉय करना है करके, तो इसलिए ये भौतिक जगत बना है, ठीक है। तो जीवात्मा को प्रभुपाद जी बोलते भोग करना है, इसलिए वो भौतिक शक्ति के अंदर आ जाता है और तीन गुणों के आधार पर कंडीशन होता है, और जो भौतिक जगत का भौतिक शक्ति में आके तो जीवात्मा को कवरिंग कर देता है, भौतिक जगत वो आवरण डाल देता है, तो उसको समझ में नहीं आता और इग्नोरेंट बन जाता है, उसको समझ में नहीं आता है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि माया कितना बहुत बढ़िया तरीके से काम करते है, इवन भौतिक शक्ति इतनी शक्तिशाली है कि भौतिक वैज्ञानिक लोग को भी बंद कर देती है, और इसके सारे पीछे कौन है, आदि आदि भूता आदि आदि अध्यात्मा, आदि भूता आदि दैव और अध्यात्म, हम लोग ये जो आदि भूता आदि दैव और अध्यात्म है ना, ये इससे भी काम करते हैं, किससे, जैसे अपने कान है वो आदि भूता, अपने जो इंद्रिया है आदि भूता, उसके पीछे जो शक्ति आई इंद्रियों की अध्यात्मा, और उसके पीछे जो देवता है वो आदि दैव जो कंट्रोल कर रहे हैं सबके इंद्रिया, समझ गए, ओके ओके। अभी श्लोक नंबर 20, तो इस कवरिंग के वजह से, इस आवरण के वजह से ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि लोग भगवान को नहीं देख सक, मतलब
अनुभव नहीं कर सकते ये कवरिंग के वजह से, ठीक है। स एष भगवा लिंग स्त्रीभिर एतेर अधोक्षजः स्वलक्षिता गतिर ब्रह्मन् सर्वेषां मम चेश्वरः। अच्छा कौन पढ़ेगा अभी, कौन पढ़ना चाहेगा, किसका नाम है अभी? सुश्रुत कीर्ति माता जी आप पढ़ेंगे। सुश्रुत कीर्ति प्रभु जी। हे ब्राह्मण नारद, परम दृष्टा दिव्य से भगवान प्रकृति के उपयुक्त प्रकृति के तीन गुणों के कारण जीवों की भौतिक इंद्रियों की अनुभूति से परे है, लेकिन वे मुझे सहित सबके नियंता है। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ यस, तो ये भगवान जो है ये तीन गुणों के परे है, तो इसलिए जीवात्मा जब तीन गुणों में फंसा रहता है, आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक, इसमें फंसा रहता है, तो इसलिए वो भगवान को नहीं देख पाता, क्योंकि भगवान को माया शक्ति नहीं छू सकती, क्योंकि भगवान माया शक्ति के नियंत्रक है, तो वो जान नहीं सकते। जीवात्मा जब कवर होते हैं उनको नहीं समझ, सुअलक्षित मतलब वो समझ नहीं पाते ये तीन गुणों का कवरिंग क्या। हमने अभी देखा ना पिछले श्लोकों में द्रव्य क्रिया और सबसे कवरिंग होता है, तो जीवात्मा को देवता लोग कंट्रोल करते हैं, देवता भी कवरिंग होते हैं ना, कोई देवता आदि दैव लोग अध्यात्म और आदि भूता के बिना कार्य ही नहीं कर पाते, तो सब लोग ये कवर रहते तो भगवान को भी जान नहीं पाते ये लोग, ऐसा है। तो भगवान को जो माया शक्ति के है तो वो सतोगुण रजोगुण और इसके बहुत परे है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवद गीता में लिखते हैं ना कि ना हम प्रकाश सर्वस्य, भगवद गीता के योग माया की भगवान अपने आप को आच्छादित करते हैं, मतलब कवर कर देते हैं ब्रह्म ज्योति से, समझ नहीं पाते, तो जो जीवात्मा तीन गुणों में होते हैं वो समझ नहीं पाते, तो वो भगवान को नहीं समझ पाते हैं। और ये लिखते हैं कि आगे प्रभुपाद कि भगवान को सब कोई नहीं अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि वो भगवान अपने योग माया से ढके रहते हैं और हम महामाया से ढके रहते हैं, हालांकि एक ही शक्ति है, लेकिन हम जब सेपरेट होते हैं तो महामाया पोटेंसी काम करती है, लेकिन हम जब भगवान की सेवा करना चाहते हैं तो योग माया आ जाती है। जैसे भगवद गीता में दोनों शक्ति को दैवी बोला है, दैवी ऐश गुणमयी, सातवें अध्याय का 14 श्लोक, गुणमयी, और महात्मा पार्था दैवीम प्रकृति, वहां भी दैवी बोला है, लेकिन ये दैवी कौन सी है, ये गुणमयी प्रकृति है, तीन गुणों से, और वो प्रकृति उसमें तीन गुण नहीं है, ठीक है। और प्रभुपाद जी लिखते आगे तात्पर्य में कि जो भी भगवान कृष्ण का शरणागत जाता है तो ही ये भौतिक जगत का जो आवरण है वो निकल जाएगा, क्योंकि जो कृष्णा से विमुख हुआ, क्योंकि दुर्गा किधर खड़ी रहती है, पीछे, महाविष्णु के पीछे, तो जब हम भगवान को मुंह फेर लेंगे तो उस शक्ति में आ जाते हैं, लेकिन भगवान की सेवा करने की इच्छा करेंगे तुरंत हम आध्यात्मिक शक्ति में आ जाते, ठीक है, ओके। अभी 21 से 35 कारण सृष्टि के बारे में बताया है, 31-35 तक कारण सृष्टि, अभी हम वो मैं बताता हूँ, ये एक एक श्लोक से हम पीपीटी देखेंगे सारा, ओके। तो हम अभी वो श्लोक पढ़ेंगे, तो आज से वो अभी वो क्रिएशन शुरू हो जाए, ओके। कालम कर्म स्वभाव च मायेषु मायया स्वया आत्मन यदृच्छ प्राप्तम विभु भूसुर उपादते। कौन पढ़े, किसका, आप लोग थोड़ा लाइन से पढ़ो जिसने पढ़ा नहीं, मुझे समस्त शक्तियों के नियंता, आपकी आवाज एको हो रही है, समस्त शक्तियों के अभिनियंता श्री भगवान अपनी ही शक्ति से सनातन काल समस्त जीवों के भाग्य तथा उनके विशिष्ट स्वभाव का सृजन करते हैं और फिर स्वतंत्र रूप से उन्हें विलीन कर देते हैं। धन्यवाद। तो अभी भगवान कैसे क्रिएट करते हैं, तो जीव गोस्वामी बताते कैसे करते हैं, जीवात्मा के भगवान जो सारी शक्तियों के स्वामी हैं, काल, जीवात्मा का कर्मा या उनका उनका स्वभाव, इन तीनों को से इनका सृजन करते हैं और बाद में सृष्टि होने के बाद इसको वापस अपने अंदर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि इसमें इस टाइप के क्रिएशन को कालम बोलते हैं, मतलब इटर्नल टाइम, ये जो परमात्मा करते हैं इसको, इस क्रिएशन को बोलते हैं इटर्नल टाइम, कालम, कि टाइम के द्वारा क्रिएशन करते हैं। टाइम क्या करते हैं, ये क्रिएशन कैसे, यूनिवर्स कैसे क्रिएट करते हैं, अपने माया के द्वारा। विश्वनाथ जी ठाकुर लिखते हैं
कैसे कहते हैं यथा सिस्टम इदम, ये जो ब्रह्मांड है कि लॉर्ड क्या करते जब इच्छा करते हैं, स एको बहुशा, मतलब ये कहते हैं कि अपने आप को हजारों में विस्तारित करना, क्योंकि सब भगवान की शक्ति है। तो लॉर्ड क्या करते हैं, ये सृष्टि को अपनाते हैं, तो क्या टाइम को लेते हैं, समय, और समय जीवात्मा का जो कर्म है उसका, मतलब कर्म मतलब भाग्य, और जीवात्मा का जो स्वभाव है, जिसको जिसको जो बनना है, जो जो इच्छा है उनका स्वभाव है, तो वो सब, ये जो कर्मा और स्वभाव, ये किसमें विलीन रहता है, जीवा में, क्योंकि जीवा का कर्मा और उसका स्वभाव, और जो टाइम किसमें मर्ज होता है, लॉर्ड के अंदर। तो लॉर्ड से टाइम और जीवात्मा से कर्मा स्वभाव, ये सृष्टि का सृजन होता है, वो अपने आप नहीं होता सृष्टि का सृजन। ओके ओके, अब जैसे प्रभुपाद जी लिखते हैं महातत्व के बारे में, ये देखो हमने कल किया था ना महातत्व, अभी कोई पढ़ेगा यहाँ से, कोई तो जिसने नहीं पढ़ा, यहाँ से पढ़िए, यहाँ से कोई पढ़ेगा, पढ़ेंगे पढ़ेंगे कोई, भौतिक सृष्टि, हाँ पढ़िए वहीं से ना प्रभु, हाँ भौतिक सृष्टि से ना, हाँ भौतिक सृष्टि असीम आकाश में बादल के समान है, वास्तविक आकाश तो आध्यात्मिक आकाश है जो ब्रह्म ज्योति की किरणों से निरंतर भरा रहता है, और इस असीम आकाश का एक अंश भौतिक सृष्टि रूपी महत्त्व के बादल से आच्छादित होता है, जिसमें श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति के नियंत्रण में रहकर इच्छा अनुसार कर्म करने के लिए बद्ध जीवों को छोड़ दिया जाता है। हाँ बस बस, तो, हाँ बस समझ गए, थैंक यू, ओके ओके, तो ठीक है, अभी देखो आगे आगे तो आगे ये परपट में इतना तो नहीं जाएंगे, मतलब जब है ठीक है, तो प्रभुपाद जी वही परपट में ज्यादा करके बताते हैं इस परपट में कि भगवान कैसे फिर से शक्ति के है, भगवान पूर्ण है, उनसे जो भी निकलता है वो शक्तियां है। ओके, तो भगवान की निराकार शक्ति है, आती शक्ति निराकार से रूप से पूरी फैली हुई है, सारा सृष्टि भगवान में मर्ज होता है, प्रभुपाद जी बताते हैं, हम 22 श्लोक में जाते हैं। ओके मैं बताता हूँ इसके बाद, कालाद गुण व्यतिकर परिणाम स्वभावता कर्मनो जन्म महता पुरुषाधिष्ठि तत् अभूत। तो इसका अभी कोई अनुवाद पड़ेगा इसका, यस प्रभु मैं पढ़ता हूँ। प्रथम पुरुष अवतार कारणाक्षय विष्णु के बाद महत्त्व अथवा भौतिक सृष्टि के तत्व अर्थात भौतिक सृष्टि के सिद्धांत घटित होते हैं, तब काल प्रकट होता है और काल क्रम से तीनों गुण प्रकट होते हैं। प्रकृति का अर्थ है तीन गुणात्मक अभिव्यक्तियां जो कार्यों में रूपांतरित होती हैं। राइट, तो इसमें क्या लिखा है कि ये कैसे होता है, पुरुषावतार महाविष्णु जब महातत्व, हमने कल पिछले क्लास में महातत्व तक सृजन हुआ वो देखा, अथवा भौतिक सृष्टि के तत्व अर्थात भौतिक सृष्टि के सिद्धांत घटित होते हैं, तब काल प्रकट होता है और काल क्रम, काल प्रकट होता है और काल क्रम से टाइम के वजह से तीन गुणों में ये होता है, प्राकट्य होता है। तो हमने देखा महातत्व हुआ, अभी देखिए वो कैसे होता है, टाइम क्या करता है, क्योंकि महातत्व में टाइम होता है ना, तो श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि टाइम का आधार क्या है, परमात्मा, ये परमात्मा में होता है, जो पिछला जो क्रिएशन है वो जो डिजोल्व हो गया है उसको फिर से, वो क्योंकि वो डिजोल्व होने के बाद वो साम्य गति पे आता है, श्रीधर स्वामी लिखते हैं साम्य मतलब इक्विलिब्रियम, साम्य आता है, लेकिन जब टाइम अंदर जाता है तो सब हिलने लगता है। तो टाइम क्या करता है, विश्वनाथ चक्र ठाकुर लिखते हैं, सॉरी श्रीधर स्वामी लिखते हैं, गुणों में शोभ उत्पन्न करता है, डिस्टिंग्विशिंग कर देता है कि ये सत्य गुण है, रजोगुण है, ये तमोगुण है। ओके, तो उसमें पूरा वेरियंस कर देता है, कॉन्ट्रास्ट कर देता है, सबको डिवाइड कर देता है गुणों को। ओके, क्योंकि टाइम आधार परमात्मा, और जो सब चीजें ट्रांसफॉर्म होते हैं वेरियस वेरियस फॉर्म्स में, आप आकार में, क्योंकि वो जीवात्मा के स्वभाव के अनुसार, किसी को हाथी बनना है किसी के, तो उसके अनुसार सारे एलिमेंट्स वगैरह सब कुछ है ना, अकॉर्डिंगली सब कुछ फॉर्म होते हैं, सब कुछ चेंज होने लगता है। ठीक है, और कर्म के वजह से, जो कार्य के वजह से महत्त्व का प्राकट्य होता है। ठीक है, अभी हम देखते हैं पीपीटी में कि कैसे होता है। ठीक है, अभी आप ध्यान से फिर से मैं रिपीट करके बताता हूँ ताकि आपको याद रहेगा चीजें। ओके, ये दिख रहा है ना पीपीटी? यस ब्रो। हाँ, तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित, ये गोलोक,
वैकुंठ सदाशिव लोक ब्रह्म ज्योति। तो गोलोक का तो हमने देखा था, वैकुंठ का भी थोड़ा देखा था कि हाँ ये देखो गोलोक में जो अष्ट सखी है बीच में, ये जो बीच में अष्ट सखी है, ये अष्ट सखी गोलोक, इसके बारे में नहीं बताऊंगा, ये भी ब्रह्म संहिता श्लोक 1-5 में है, ये इसके रिलेटेड नहीं है सेकंड कैंटो के, लेकिन ठीक है। तो ये जो अष्ट सखी है बीच में आते हैं, देखो प्रभावी सत्य ईशना, और महतत्व में आते हैं ये पदार्थ के रूप में, ठीक है, ये है महतत्व। तो ये देखो प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, पूरा ब्रह्म ज्योति के कॉर्नर में, बहुत आध्यात्मिक जगत के कॉर्नर में ये महाविष्णु सोए हुए ना, वो है महातत्व, प्रधान प्रधान। जब महाविष्णु सोते प्रधान, जब जागते हैं तो महातत्व। ओके, देखो एक ऐसे बादल के रूप में है, प्रभुपाद जी बोलते हैं ना पुणे में। तो महाविष्णु के क्रिएशन को महाकल्प बोला है, जो जिससे ब्रह्मांड निकलते हैं, ठीक है। और जब इस ब्रह्मांड में गर्भ दीक्षा विष्णु जाते हैं और वो अपने पसीने से गर्भदक ओषण करते हैं, और ये हिरण्य गर्भ जो कॉस्मिक एग, हिरण, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस जो भी है, जो स्क्रिप्चर्स में नाम दिया है, वो तैयार होता है। ये करते हैं एक तया और एक लोटस को तैयार करते हैं, ये दो चीज को बोलते हैं विकल्प। और इस कमल के डंडी में ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड को बनाते हैं, स्ट्रक्चर वो है सारा ब्रह्मांड इस कमल में होता है, ठीक है, ब्रह्मांड में। ओके क्लियर ना। तो अभी महाविष्णु, महाविष्णु क्या करते हैं रमा देवी के, अच्छा आप लोग में से किसने ब्रह्म संहिता के 7 और 8 श्लोक पढ़ के आए, हाथ ऊपर कीजिए। सिर्फ श्लोक का अनुवाद पढ़ा किसी ने, हाथ ऊपर कर दीजिए, पीला पीला हाथ दिखा दीजिए बस, हल्दी में डूबा हुआ, ठीक है ना। अच्छा अच्छा तो आपने देखा ना उसमें है ना ये सब प्रभु, यस आपने जो कल बोला सब उसमें है। हाँ तो सब है उसमें। तो महाविष्णु क्या करते हैं, रमा पे दृष्टिपात करते हैं, ठीक है, देखते हैं। तो दृष्टिपात ये भी याद रखना, सब सुनिए ध्यान से, दृष्टिपात के साथ महाविष्णु के शरीर से वो कांति निकलती है, ऐसे नहीं कि इतना ही दृष्टिपात हो रहा है। और फिर रमा को समझता है तो महाविष्णु की इच्छा क्या है, तो अपना छाया प्रकट करती है दुर्गा के रूप में, छाये वयस्य भुवनानी ब्रह्म संहिता के 44 श्लोक में। और फिर रमा उनको दुर्गा पे दृष्टिपात करती है, और दृष्टिपात को बोलते हैं शंभु। तो शंभु दुर्गा पे जाके यूनाइट करते हैं, लेकिन उस महाविष्णु के जो दृष्टिपात है करते हैं रमा में, उसमें क्या है, जीवात्मा टाइम काल और अहंकार। तो अभी हमने पढ़ा था ना कि काल के वजह से, काल का जब प्रधान में आगमन होता है, प्रधान में पहले ईगो जाता है फिर काल जाता है, तो सब कुछ हिलने लगता है। तो इसलिए कहते हैं 3 गुण, सतोगुण क्योंकि जीवात्मा प्रेजेंस में है, प्रेजेंस मतलब प्रेजेंट में, टाइम मतलब जो मूविंग होता है फ्यूचर, एंड ईगो मतलब पास्ट, ये 3 गुण। ओके तो टाइम से शोभ उत्पन्न होता है, तो 3 गुण होते हैं। तो महातत्व होता है प्रधान से महातत्व। देखो ये सारे एलिमेंट्स आते हैं ना, ये एलिमेंट्स, मैं एलिमेंट्स जो पदार्थ 16 पदार्थ महाविष्णु लिखते हैं ना, जगरहम पौरुषम रूपम भगवान महत आदि भी ही। 16 पदार्थ क्या है, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 एलिमेंट्स अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, पंच तत्व और 1 मन, ठीक है। लेकिन ओके क्लियर। तो शंभु जब दुर्गा से यूनाइट करते हैं तो एक लिंग तैयार होता है, लिंग। तो शंभु सच में दुर्गा के साथ यूनियन करते हैं और इस सृष्टि का सारा निर्माण होता है। और जो जीवात्मा होती है, टाइम होता है, जो महाविष्णु के ग्लांस में है, वाया मीडियम रमा देवी के इसमें, वो शंभु, इसके लिए शंभु को इंग्रेडिएंट्स कॉज बोला है, पदार्थ, वो सारे पदार्थ दुर्गा के गर्भ में देते हैं। दुर्गा का गर्भ मतलब ऐसे नहीं कि दुर्गा का पेट बढ़ जाता है, ये जो महातत्व जो होता है वो दुर्गा का गर्भ बन जाता है, एकोमोडेटिंग चेंबर फॉर माया, यह है ब्रह्म संहिता में, ठीक है, ये बनता है accommodating chamber for माया। ये जो प्रधान से महातत्व बनता है, तो महातत्व becomes accommodating chamber for माया। तो इसलिए कभी कभी दुर्गा पुराण या देवी पुराण में लिखा है कि देवी सबका सृजन विजन करती है, ये वाला पार्ट है। और शिव पुराण में लिखा है, लिंग पुराण में एक लिंग होता है, लिंग से फिर सब तैयार होता है, वो ये पार्ट है, ठीक है, आप देख लीजिए। तो महातत्व होता है महातत्व, अभी लिखिए महातत्व में क्या होता है। पहला महाविष्णु, पहला सृष्टि का निर्माण क्या करते हैं, महातत्व। अभी महातत्व चमकता है, महातत्व, महातत्व बिकम्स एफलजेंट, एफलजेंट मतलब चमकता है, पूरा प्रधान से महातत्व हुआ, महातत्व चमकता है। मैंने सूप का एग्जांपल दिया था, वो देखो महातत्व बिकम्स एफलजेंट, वो दिख रहा है, महातत्व बिकम्स एफलजेंट, एफलजेंट मतलब चमकता है।
तो भगवान जैसे हमारे शरीर पे, अभी अपने रूम, अगर आप रूम में बैठे हैं तो रूम में क्या क्या चलता है क्योंकि आप अवेयर हैं कौन जा रहा है रूम के अंदर, कौन सा चूहा वगैरह जा रहा है क्या, तो आप अवेयर है क्योंकि कॉन्शियस है। तो भगवान मिलियंस ऑफ मिलियंस जो महाविष्णु है मिलियंस ऑफ यूनिवर्स में कॉन्शियस होते हैं, कैसे, ये एफलजेंस महातत्व की वजह से। ये है ब्रह्म संहिता के परपट, उसका इंग्लिश है कॉग्निटिव फैकल्टी, कॉग्निटिव मतलब नोइंग फैकल्टी उसमें लिखा है। ये जो महाविष्णु पूरा एफलजेंट होते हैं ये असली कॉग्निटिव फैकल्टी है। कॉग्निटिव फैकल्टी मतलब इस पूरे यूनिवर्स में, जैसे एग्जाम्पल कृष्णा का जो अर्जुन ने जो बच्चे गायब होते ब्राह्मण के, महाविष्णु ने गायब किए थे ना, तो कृष्णा ने उनको लेके गए थे महाविष्णु के पास महाकालपुरा में, ये सुना है ना आप लोगों ने? यस प्रभु यस। हाँ, तो महाविष्णु को इतने छोटे यूनिवर्स के बारे में कैसे ध्यान है, क्योंकि वो कॉन्शियस होते हैं, भगवान है ना, उनके शरीर से कांति निकलती है, वो कॉन्शियस है, वो एफलजेंट निकलता है महातत्व। इसका रेफरेंस है ब्रह्म संहिता, चाहे तो खोल के दिखा दूंगा, उसको बोलते हैं द एफलजेंस ऑफ कॉग्निटिव फैकल्टी, ऐसे लिखते हैं। और इसका उल्टा प्रतिबिंब, जैसे ये है कॉग्निटिव फैकल्टी का उल्टा प्रतिबिंब, परवर्टेड कॉग्निटिव फैकल्टी कौन है, लॉर्ड शंभु। अब समझ गए वो कवर, तो महाविष्णु जैसे जानकारी करते हैं तो शंभु भी इस ब्रह्मांड के जानकारी करते हैं, इसलिए कभी कभी जो शैवाट्स लोग बोलते हैं कि शंभु भी इस ब्रह्मांड को जानने वाले। तो शंभु क्या है, ये जो शंभु है ये डिम ट्वाइलाइट है, महाविष्णु एक बड़ा बल्ब है, तो ये शंभु डिम ट्वाइलाइट है, क्योंकि अहंकार मतलब कवरिंग करते है, कवरिंग करता है। जैसे जीव गोस्वामी मैंने कहा ना एग्जाम्पल देते हैं लैंप का, कंदील, कंदील कांच के कंदील होते हैं ना, तीन चार कंदील अच्छे चमक रहे और एक कंदील में कार्बन का काला है, वो शंभु है। समझ गए? ओके, अभी महातत्व एफलजेंट, देखो महातत्व एफलजेंट हो गया, अभी महातत्व में क्या है, चतुर्व्यूह आते हैं। वासुदेव, ये थर्ड कैंटो भागवतम में है, वासुदेव शंकरसन प्रद्युम्न, ये तृतीय चतुर्व्यूह है। आदि चतुर्व्यूह गोलोक में है, द्वितीय चतुर्व्यूह वैकुंठ में है, और एक तृतीय चतुर्व्यूह है, वासुदेव शंकरसन प्रद्युम्न अनिरुद्ध। समझ गए? तो वासुदेव पूरे एलिमेंट्स, शंकरसन पूरे आइडेंटिटी और एलिमेंट्स के है। ईगो, ईगो है ना उधर, ईगो है, फिर अर्थ वाटर फायर एयर ईथर है, राइट, है क्या नहीं उधर, इंटेलिजेंस है उस महातत्व में, माइंड है। तो शंकरसन पूरे 10 सेंसेस है, नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, वर्किंग सेंसेस मतलब कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, वासुदेव चेतना के लॉर्ड है, तो सब है ना, क्योंकि जीवात्मा की चेतना है, प्रद्युम्न इंटेलिजेंस, ये सब कैटेगराइजेशन हो जाएगा उधर। ओके, ये सब महातत्व में चल रहा है, ब्रह्मांड अभी तक आया नहीं। ओके, ये थर्ड कैंटो में है इसका रेफरेंस, मैनिफेस्टेशन ऑफ चतुर्व्यूह। अभी महातत्व हो गया, अभी एक महाविष्णु ने एक क्रिएशन कर लिया महातत्व, अभी दूसरा कौन से करेंगे, अहंकार। पहले अहंकार तो था जीव महाविष्णु की दृष्टि में, और एक एक अहंकार तैयार होगा, वो अहंकार प्रधान में लगा, क्योंकि महाविष्णु की दृष्टि में अहंकार था, वो प्रधान में लगा, महातत्व हो गया। ओके, अभी महातत्व में और एक अहंकार आएगा, समझ गए? अभी बताइए मुझे प्रधान और महातत्व में क्या अंतर है, समझा किसी को, कोई हाथ ऊपर करके बता सकता है? प्रधान सुप्त अवस्था में है उसे प्रधान कहते हैं, और जो लाइव हो जाता है जब सृजन के समय तैयार हो जाता है उसे महातत्व बोलते हैं। एग्जांपल देंगे कोई? एग्जांपल प्रभु जी, मैंने एक एग्जांपल सुना था, एक डिवोटी सुना था कि प्रधान यानी जैसे आटे का, पहले हम लेडीजों क्या करते, माझी लोग पहले आटे का गोला बना देते बड़ा सा, और उसके छोटे छोटे चपाती बनाते, उसके लिए छोटे बनाते, वो महत्व प्रधान है, वो बड़ा आटा गूंदा हुआ। और कोई दे सकते एग्जांपल? ये एग्जांपल सुना था मैंने। नहीं, वो एग्जांपल अगर आटे का गोला बोलेंगे तो आटा तो विजिबल है ना, बराबर दिखाई देता है ना आटा, बराबर है, लेकिन प्रधान में तो कुछ दिखाई नहीं देता, वो अनमैनिफेस्ट है, अनमैनिफेस्ट मतलब वो दिखता नहीं। तो कोई एग्जांपल देंगे, पिछले क्लास में थे ना आप लोग, माय गॉड डेंजरस एकदम, आगे कैसे समझेंगे फिर, इतना सिंपल। प्रभु जी, वो गुलाब जामुन का जैसे होता है कि मैदा है, मैदा है, सूजी है, चीनी, मैदा तो दिखता है ना, मैदा है करके। अच्छा, देखो इंग्लिश में प्रधान को अनमैनिफेस्ट, जो प्राकृत नहीं है, अनमैनिफेस्ट मटेरियल एलिमेंट्स, और महातत्व को मैनिफेस्ट मटेरियल एलिमेंट। मैंने खुद ने एग्जांपल दिया था ना सूप का, और जो मैंने हनी का एग्जांपल दिया, ये प्रभुपाद के डिसाइपल जो स्कॉलर है उन्होंने दिया है, उन्होंने भागवत संदर्भ पे थोड़ा कमेंट्री लिखा है, उन्होंने दिया है। तो जो सूप का है,
सूप में इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, अंदर होते हैं, सूप का थोड़ी हम कुछ और बनाते हैं, सूप का सूप ही होता है, वो इंग्रेडिएंट्स अंदर ही होते हैं। लेकिन जब चम्मच, जब जो उसके पदार्थ अंदर होते हैं तो सूप के ऊपर एक लेयर रहता है, वो दिखाई नहीं देते पदार्थ कौन वगैरह कौन सूप। तो सूप में जो लेयर है, तो जब पदार्थ दिखाई नहीं देते वो स्टेज को प्रधान बोलते हैं। जब हम चम्मच डाल के उसको हिलाते हैं तो इंग्रेडिएंट्स बाहर आते हैं ना, उसको महातत्व बोलते हैं। वो एक ही है, उसके सिर्फ स्टेज अलग है। जैसे हनी बी का बोलते हैं ना, हनी दिखाई नहीं देता जब मधुमक्खी रहती है ना, तो प्रधान बोलते हैं। लेकिन जब हनी मधुमक्खी का पोला तोड़ के जब हनी बाहर आता है उसको महातत्व बोलते हैं। सिंपल, एक है अनमैनिफेस्ट, एक है मैनिफेस्ट, ओके। और जब अगर बड़ा बॉल में सूप लिया, सूप अगर बहुत देर तक रखा, लेयर आया, उसका इंग्रेडिएंट नहीं दिखा, वो प्रधान। जब आपने चम्मच डाल के उसको हिलाया, महातत्व। और सारे सूप को बड़े छोटे ग्लास में डाला, वो ब्रह्मांड प्रकृति। ये सब महातत्व अभी जाएगा ना, ओके, ठीक है ना। वो आटे का मुझे नहीं पता, मैं कभी सुना नहीं, क्योंकि आटे का क्यों नहीं होता है, क्योंकि आटा दिखता है ना हमें, वही आटे को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं ना अलग अलग गोले में, ठीक है। वही गुलाब जाम का आटा गुलाब जाम में चेंज होता है, लेकिन वो गुलाब जाम का आटा तो दिखता है ना, यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स दिखते नहीं है, वो पार्ट है। इंग्रेडिएंट्स मतलब पदार्थ दिखना नहीं चाहिए, वो है प्रधान, ओके ओके। तभी महातत्व एक हुआ, अभी होगा फॉल्स ईगो। देखो और एक फॉल्स ईगो आ गया, ठीक है। अभी एक है, सेकेंड है फॉल्स ईगो। अभी तीसरा क्रिएशन क्या है, ये फॉल्स ईगो सतोगुण को लगता है, तो क्या शुरू होता है, ज्ञान शक्ति। और ज्ञान शक्ति होती है तो और क्या क्रिएट होता है, मन और इंद्रियों के देवता। और ये देवता कौन है, जो वैकुंठ में जो देवता है उसके प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप को क्या बोलेंगे, बहरूपिया, महातत्व में महाविष्णु के जरिए आते, उनके एक्सपांशन, क्योंकि वैकुंठ में भी देवता है तो उनके एक्सपांशन यहाँ पे आते। तो वो जो मन और इंद्रियों के देवता का आधार क्या है, उनको शक्ति कौन सी एग्जिस्ट करा रही है, या कौन सी वो शक्ति के आधार पे है, वो ज्ञान शक्ति के आधार पे, मन और इंद्रियों के देवता। ये है तीसरा क्रिएशन, ओके। ये सब यूनिवर्स के बाहर हो रहा है, बाद में गर्भदक्षा विष्णु इन सबको लेके एक एक यूनिवर्स में जाएंगे। वो इतना बड़ा है महाविष्णु, महाविष्णु के स्लाइड के अनुसार मत देखिए, बहुत बड़ा है वो। ये आकाश नीला क्यों, क्योंकि महाविष्णु के शरीर से निकलती है लाइट, इसलिए नीला है, ओके। अभी महातत्व हुआ, फॉल्स ईगो हुआ, ओके। अभी अहंकार सतोगुण में हो गया, ज्ञान शक्ति तीसरा हो गया। अभी चौथा है अहंकार रजोगुण में, अहंकार रजोगुण में क्रिया शक्ति। तो क्रिया हम किससे करते हैं, इंद्रियों से, बुद्धि से। तो इस जब अहंकार रजोगुण में आता है तो दस इंद्रिया, बुद्धि और प्राण, लाइफ एयर, प्राण प्राण और लाइफ एयर, क्योंकि हाथ हिलाने के लिए प्राण चाहिए और ज्ञान लेने के लिए बुद्धि चाहिए। तो बुद्धि, दस इंद्रिया और लाइफ एयर, लाइफ एयर मतलब प्राण शक्ति, ये क्रिया में हो गया, ये सब तैयार हो रहा है ये होलसेल में, ठीक है। ये कितने, चार हो गए। अभी पांचवा अहंकार तमोगुण में क्या होते हैं, द्रव्य, द्रव्य शक्ति। तो द्रव्य शक्ति मतलब अर्थ वाटर फायर एलिमेंट्स और उसके गुण, पंच तत्व और उसके गुण, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, पृथ्वी जल आकाश वायु और खम और उसके गुण। खम का गुण क्या है, ध्वनि शब्द, बराबर। हवा का गुण है स्पर्श और ध्वनि। आग का गुण है फॉर्म, फॉर्म को हिंदी में क्या बोलेंगे, रूप स्पर्श और ध्वनि, ऐसा। वाटर का क्या है, स्वाद स्पर्श रूप और ध्वनि, और उसमें पृथ्वी डाल दिया तो सुगंध। तो ये सब तैयार हो गया, एलिमेंट्स अंदर एट्रीब्यूट्स, ये पांच टाइप के क्रिएशन हुए। अभी इस सब को अंधकार में ढक देगा महाविष्णु। तो छठा क्रिएशन क्या हुआ, ठीक है, ये करते पूरा, ये देखा सतोगुण में मन और कंट्रोलिंग देवता, ओके। अभी जब अहंकार तमोगुण में आता है तो पंच तत्व और उसके गुण, जैसे आकाश स्काई, ईथर का गुण क्या है, साउंड। एयर में क्या है, साउंड एंड टच। हवा देखो, हवा आती है उसमें साउंड है, और हवा को हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। आग, आग में भी साउंड है, उसको टच कर सकते हैं, गर्माहट लगती है और उसका भी आकार है। वाटर, वाटर को भी साउंड आता है, जब पानी गिरता तो आवाज आता है, उसको टच कर सकते हैं, उसको आकार है पानी को, और पानी को स्वाद भी है। और पृथ्वी में गंध है। अरे हर एक जब चीज होता है भागवतम के
तीसरे स्कंद के पांचवें अध्याय के 33 से 36 श्लोक में लिखा है। हर एक इसमें भगवान की दृष्टिकोण हो रही है, थोड़ा सा टाइम काल का है और भौतिक एनर्जी मिक्स होके ये सब ट्रांसफॉर्मेशन होता है। समझ गए? मतलब जब महाविष्णु ग्लांस करे सब एक साथ हो रहा है, लेकिन हमको बताने के लिए थोड़ा सा बताया कि वो हर एक इसमें महाविष्णु का दृष्टि होता है, हर एक इसमें काल का थोड़ा प्रभाव होता है और हर एक इसमें माया का थोड़ा शक्ति होता है। समझ गए? समझा क्या नहीं ये सर? समझ रहा है कि हाँ? तो नहीं तो बोलिए कुछ। तो महाविष्णु पांच टाइप के क्रिएशन कर रहे हैं, ये इसमें का थोड़ा विस्तारित बता रहे। अहंकार तमोगुण में, अभी अहंकार रजोगुण में क्या है देखो, 10 इंद्रिया, ये जो वर्किंग इंद्रिया है वो प्राण शक्ति पे, हाथ भी उठाना तो प्राण हवा चलना चाहिए ना, एयर सर्कुलेशन। और ये जो ज्ञान, नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, ज्ञान इंद्रिया, वो बुद्धि के आधार पे, सो बुद्धि प्राण और 10 इंद्रिया, लाइफ फोर्स इंटेलिजेंस ओके एंड द सेंसेस, 10 सेंसेस। जब अहंकार रजोगुण में जाता है तो, क्योंकि सब अहंकार युक्त है ना, अहंकार मतलब क्या, फॉल्स आइडेंटिटी, कि जीवात्मा को इस भौतिक जगत में भोग करना है, तो सब वो अहंकार ऐड होता है, कवरिंग ऐड होते हैं ये सब ओके। अभी मन, अभी सतोगुण, अहंकार रजो सतोगुण में, तो प्राकृत देवता, इसको बोलते हैं प्राकृत देवता, इसके बारे में भागवत में दिया है। ये देवता महाविष्णु के द्वारा क्रिएट किए गए हैं और ये देवता वैकुंठ के देवता के प्रोटोटाइप है, प्रोटोटाइप क्या बोलेंगे, बहुरूप, ठीक है। सो अहंकार गुडनेस में मन और कंट्रोलिंग डेटी, ये सब नियंत्रक डेटी, ये कौन है देखो, सब दिया है भागवतम में। ये भागवतम में रेफरेंस है कैंटो 3 चैप्टर 5 वर्स 30 में, सारे कंट्रोलिंग डेटीज के बारे में है इंफॉर्मेशन, ठीक है ओके। अभी लास्ट क्रिएशन क्या है, तमोगुण, क्रिएशन ऑफ इग्नोरेंस, अंधकार, कि सब कुछ जीवात्मा का, जैसे आपको थिएटर में बिठाया है अपने, पहले थिएटर तो गए होगे ना, पहले, अभी नहीं, पहले गए के नहीं, पहले मूवी थिएटर में, अरे गए के नहीं, कैसे? यस यस, अरे डरो मत, यस पहले गए, अभी तो नहीं, तो पहले गए तो सब अंधकार करना पड़ता है, तो वो सामने मूवी दिखता है ना, ऐसे बैठे रहेंगे तो मूवी दिखेगा नहीं। तो ये सब बनाने के बाद महाविष्णु इसको पूरा अंधकार में डालते है सब कुछ, कि जीवात्मा को समझे ही नहीं कि कौन भोगता है, उसको समझता है कि वही भोगता है। तो देखो प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, अब इसको हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर सकता हूँ, इसमें एक ही है कि लिखते हैं कि लिविंग एंटिटी को ये इम्प्रेशन गिरता है कि मैं सारा मालिक हूँ, वो माया के द्वारा, शंभु है ना, शंभु अहंकार, उसका रोल है ब्रह्म संहिता में श्लोक नंबर 10-11-12 में है कि शंभु का रोल है, वो जीवात्मा को बताता है कि तू ही भोगता है, फॉल्स आइडेंटिटी, ठीक है। 6 टाइप के क्रिएशन हो गए, कौन से 6 टाइप के आप बता सकते, कोई हाथ ऊपर करके, महाविष्णु ने 6 प्रकार के क्रिएशन किया, ये सब है सेकंड कैंटो में ओके। 6 टाइप के क्रिएशन है, अभी बता सकता है कौन से हाथ ऊपर करके, अरे कोई तो बताइए, ऐसे क्या कर रहा, अभी तो बताया ना मैंने 5-6 पूरा, कोई बताएगा कौन सा है 6 टाइप के क्रिएशन, ये 6 टाइप के क्रिएशन कोई बताएगा? कृष्णा, हाँ बोलिए प्रभु जी, आपने बताया कि 6 टाइप के क्रिएशन में सबसे पहले तो जो है वो महातत्व क्रिएट करते हैं, फिर महातत्व के बाद जो है फॉल्स ईगो आता है, तीसरा फिर आता है अहंकार सतोगुण में, फिर चौथा आता है, जो अहंकार सतोगुण में है उसमें मन और इंद्रियों के देवता के बारे में बताया, चौथा बताया अहंकार जो रजोगुण में आता है उसमें क्रिया शक्ति होती है 10 इंद्रियां प्राण और बुद्धि, फिर पांचवा बताया अहंकार तमोगुण में जिसमें की द्रव्य शक्ति होती है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इत्यादि, और जो छठा आप बता रहे थे 6 क्रिएशन द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस, तो वो मुझे लगा कि पांचवा छठा कॉमन सा हो रहा था तो क्लियर नहीं हो। हां तो ये 6 समझ गए, अभी ये 6 प्रकार के सृष्टि होने के बाद ब्रह्मांड महाविष्णु के शरीर से इस 6 प्रकार के क्रिएशन में आ जाते हैं, महातत्व में आ जाते। तो महातत्व में क्या क्या है, अहंकार है, द्रव्य शक्ति है, क्रिया शक्ति है, महातत्व में एलिमेंट्स है, मन है, इंद्रियों के देवता है, बुद्धि है, प्राण वायु, ये सब महातत्व में है, समझ गए ओके। तो अभी कौन होगा, अभी ब्रह्मांड आएंगे, ये ब्रह्म संहिता में है, यस ये वाला। अभी ब्रह्मांड क्या है, ये जो ब्रह्मांड आते हैं वो जब ब्रह्मांड महाविष्णु के शरीर में होते हैं तो वो गोल्डन रहते हैं, गोल्डन मतलब सुनहरी, लेकिन जैसे ही वो बाहर आते हैं शरीर के तो कहाँ बाहर आ गए, कौन उत्तर देगा, अभी बुद्धि दो,
अभी महाविष्णु के शरीर में, अभी शरीर से अगर ब्रह्मांड बाहर आएगा तो बाहर किस किस में, किस एरिया में आएगा वो, कौन बताएगा? महतत्व में। महतत्व में, बराबर। तो महतत्व में आएगा तो महतत्व में ये सब है, अर्थ वाटर फायर एयर इथर, द्रव्य शक्ति क्रिया शक्ति, वो सब मन इंद्रियों के देवता, दस इंद्रिया, वो सब है ना उधर बने हुए, तो उसमें सारे ब्रह्मांड आ जाएंगे और ब्रह्मांड को वो सारा कवर कर लेगा, ये देखो। लेकिन मैं अंदर सोनेरी नहीं दिखा सकता, इसलिए मैंने बाहर दिखाया, तो ऐसा मत सोचना, क्योंकि मैं महाविष्णु के शरीर में कैसे सोनेरी दिखाऊं, लोग हंसेंगे मेरे ऊपर, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे बनाऊं, तो इसलिए मैंने इतना बना दिया। तो मैंने बाहर बताया ऐसे सोनेरी सारे ब्रह्मांड निकलते, एक साथ निकलते लेकिन वो गोल्डन रहते। वो गोल्डन क्यों रहते? भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज लिखते हैं, वो गोल्डन क्यों रहते? ये जो ब्रह्मांड है ये आध्यात्मिक जगत के कुछ एरिया है, वो रिफ्लेक्ट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूनिवर्स। आप समझ रहे हैं? कुछ एरिया है आध्यात्मिक जगत में, ऐसे लिखते हैं कि इनफाइनाइट स्पिरिचुअल ट्रांसेंडेंटल रीजन, सम एरियाज, कुछ एरिया है स्पिरिचुअल जगत तो बहुत बड़ा है, उसके कुछ एरिया महाविष्णु के माया वाया मीडियम से महाविष्णु के बॉडी में रिफ्लेक्ट होते हैं यूनिवर्स बोलकर, जब महातत्व में आते हैं तो एलिमेंट्स में आ जाते हैं। ठीक है, ओके। देखो एलिमेंट्स, प्रभु जी ये जो आप समझ रहे थे कि ये तो हमेशा ही निकलते रहते हैं महाविष्णु के शरीर से ब्रह्मांड, उनके रोम से असंख्य ब्रह्मांड हमेशा निकलते रहते हैं, हमेशा निकलते हैं, ऑलवेज गोल्डन। हाँ वो निकलते हैं लेकिन वापस अंदर भी तो जाते हैं ना, ऐसा नहीं कोई निकलते रहते हैं। निकलने का जो समय है, हमको लग रहा है कि मतलब महाविष्णु के इससे तो एक ही बार हो गया ना, वो एक ब्रेथ छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड निकलते हैं, एक ब्रेथ लेते हैं तो ब्रह्मांड अंदर जाते हैं। जैसे वो कहा ना, यस्य कनिष्ठता अथावलंब्य जीवन तिलोम विलजा जगदंद नाथा, तो ब्रह्मा का जीवन क्या है? महाविष्णु के एक हाफ सांस, देखो कितना उसका हाफ का हाफ है वो, समझ गए? क्योंकि जो ब्रह्मांड क्लोज है वो जल्दी अंदर चला जाएगा। अभी टाइम जो महाविष्णु से निकला, अभी वो टाइम सारी यूनिवर्स में अलग अलग इसमें विभाजित हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्वेश्चन ये था प्रभु जी, जब वो अंदर जाते हैं तो वो गोल्डन हो जाते हैं, जब सारे ब्रह्मांड अंदर चले जाते हैं तो भगवान वो गोल्डन हो जाते हैं, और जैसे ही निकलता है वो गोल्डन कलर खत्म हो जाता है। कलर नहीं खत्म होता, वो गोल्डन क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये सब स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन है, दैट रिप्रेजेंट्स इन अ गोल्डन फॉर्म, बस नथिंग एल्स। जब वो महातत्व में आते हैं तो उनको एलिमेंट्स कवर कर देते हैं। ठीक है, ये देखो एलिमेंट्स में आ गए, अभी बताता हूँ एक मिनट, ये थोड़ा मैंने बार बार वो क्या, थोड़ा इफेक्ट देने के लिए थोड़ा क्लियर कर दिया। ठीक है, ये सब है महातत्व में, क्या क्या है ये सब, ओके। सेंस देवता, तीन गुण, महातत्व, सरजोगुण, तमोगुण, क्रिया कर्ता कारण कॉज इफेक्ट, ये सब है। ठीक है, आदि दैविक आध्यात्मिक, ये सब ये है, ये सब है महातत्व में, 23 एलिमेंट्स टोटल, 24 हो जाते हैं। तो अभी क्या हुआ, आपने क्या पढ़ा, महाविष्णु छह प्रकार के ब्रह्मांड, छह प्रकार के क्रिएशन करते हैं और फिर ब्रह्मांड निकलते हैं महाविष्णु के शरीर से। ठीक है, वो निकलते कहाँ निकलते, अकोमोडेटिंग चेंबर ऑफ माया। देखा अभी, जैसे अर्थ एलिमेंट्स कैसे आ गए, आप सारे गेंद को कपड़े के अंदर डालो तो कपड़ा रहता है, लेकिन वो पूरी तरह से गेंद के ऊपर रैप नहीं है ना, रैप क्या बोलते हैं, कवरिंग नहीं है ना कपड़ा, तो ऐसे रहता है। ये हर एक यूनिवर्स को होता है, मैंने एक ही बताया, ये देखा आपने, सारे एलिमेंट्स एक एक यूनिवर्स को कवरिंग कर देते, तो ऐसे हर एक यूनिवर्स को होता है, लेकिन वो यूनिवर्स फॉर्म नहीं होता, फॉर्म मतलब वो बनता नहीं है अभी तक फुल्ली, ओके, वो यूनिवर्स बनता नहीं है अभी तक फुल्ली। ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं, आगे बहुत इंटरेस्टिंग चीज है यूनिवर्सल फॉर्म वगैरह, तो आगे के थोड़े श्लोकास पढ़ते हैं तो आपको आइडिया गिरेगा, वरना आप एकदम आगे चले जाएंगे तो आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये सब माया के अकोमोडेटिंग चेंबर में आते हैं, तो अभी आप जब पढ़ेंगे ना आपको इजीली समझ जाएगा। ठीक है, तो हम कौन से अभी ये श्लोक करना है ना, अच्छा हमने ये श्लोक से क्या पढ़ा, श्लोक नंबर 23 से 22 ना, हाँ 22 में क्या पढ़ा कि टाइम सबको एजिटेट करता है तो सब हिलने लगता है, रजोगुण तमोगुण, ओके, महातत्व एजिटेट होता है। अभी आगे देखो आपको पीपीटी के द्वारा थोड़ा समझ जाएगा, ओके ये देखो ओके महातस्तु भी कुर्वानात रजा सत्व ब्रह्मितात तमा प्रधानास्तव अभावात द्रव्य ज्ञान क्रियात्मकः। अभी कौन अनुवाद पड़ेगा इसका, धीरे धीरे पढ़िए। ठीक है, हरे कृष्णा, महातत्व के विक्षुब्ध होने पर भौतिक क्रियाएं उत्पन्न होती है। हाँ, विक्षुब्ध मतलब एजिटेटेड, महातत्व एजिटेट कैसे होता है, टाइम के द्वारा। ठीक है, टाइम जाता है ना
प्रधान में तो महत सब एजिटेट होता है, तो महतत्व सब आता है, और महतत्व आगे एजिटेट होता है क्योंकि टाइम रहता है ना उसमें, तो महतत्व ट्रांसफॉर्म होता है टाइम के वजह से। तो किस में ट्रांसफॉर्म होता है आगे पढ़िए। सर्वप्रथम सर्वप्रथम सतो तथा रजोगुणों का रूपांतरण होता है, और बाद में तमोगुण के कारण पदार्थ उसका ज्ञान तथा भौतिक ज्ञान के विभिन्न कार्यकलाप प्रकट होते हैं। समझ गया ना आपको? उसका ज्ञान मतलब ज्ञान ज्ञान शक्ति उसका पदार्थ का द्रव्य शक्ति वो सब तैयार होता है। और क्लियर नाउ? तो तमोगुण रजोगुण से महातत्व, तो क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति और द्रव्य शक्ति उसमें। और क्यों ट्रांसफॉर्म होता है? जैसे महातत्व है जिसमें सतोगुण है लेकिन रजस और सत्व है, तो लेकिन टाइम के एजिटेशन, क्योंकि टाइम रजस में है, टाइम के एजिटेशन से जीव के स्वभाव के वजह से वो सब कुछ ट्रांसफॉर्म होता है, तो चले जाता है तमोगुण के आधार पर। ठीक है, टाइम प्रकट होने का समय जो बिंदु है वो महत्व के एजिटेशन के साथ। देखो टाइम जब महाविष्णु लक्ष्मी जी पे ग्लांस करते हैं तो टाइम देते हैं, तो टाइम आने के वजह से सब रूपांतरण शुरू हो जाता है, तो फिर प्रधान महतत्व होता है। लेकिन महतत्व में टाइम ऑलरेडी है, तो महतत्व सत्वगुण में होने के होता है, लेकिन टाइम के वजह से सत्वगुण से रजोगुण, रजोगुण से तमोगुण चेंजेस होने लगते हैं उधर। समझ गए? क्योंकि समय के आधार पर, समय सब कुछ इसमें शोक कर देता है, डिफरेंस पैदा कर देता है। ठीक है, समय प्रकट होने का बिंदु कौन सा है प्रभु जी? क्या समय प्रकट होने का बिंदु? बिंदु मतलब पॉइंट, एट विच पॉइंट? हाँ अच्छा, पॉइंट जब महाविष्णु ग्लांस करते, दैट इज द पॉइंट व्हेन टाइम हैज कम। ओके ओके, तो टाइम जब महाविष्णु जब ग्लांस नहीं करते तो प्रधान होता है बराबर, लेकिन जब टाइम आता है तो टाइम के साथ ईगो भी आता है राइट? तो ईगो से प्रधान में महतत्व होता है, टाइम आता है तो महतत्व सतोगुण में आता है, तो फास्टली टाइम उधर होने के कारण टाइम से सारे चेंजेस होने लगते हैं। टाइम और जीवात्मा है, जीवात्मा कर्म और जीवात्मा के अंदर जो जीवात्मा का कर्म और स्वभाव है उसके वजह से मिला के सारे ट्रांसफॉर्मेशन होते। अभी कोई जीवात्मा को हाथी बनना है तो सब अरेंज कर देता है टाइम, उधर सब एलिमेंट सब पदार्थ तैयार कर देता है। ठीक है, ठीक है। टाइम का बिंदु होता है महाविष्णु का दृष्टि। ओके, अभी प्रभुपाद जी भी लिखते हैं ना, देखो अब यहां से कोई पढ़ेगा महातत्व से, पढ़िए ये। महातत्व भौतिक सृष्टि का तत्व मूल कारण है, और जब श्री भगवान की इच्छा से, अभी भगवान की इच्छा से मतलब क्या? भगवान जब दृष्टिपात करते हैं, पढ़िए। अच्छा, विक्षुब्ध भगवान की इच्छा से ये विक्षुब्ध होता है तो सर्वप्रथम रजो तथा सत्वगुण प्रमुख होते हैं। तो मतलब विक्षुब होता है तो सर्वप्रथम रजो और सतोगुण प्रोमिनेंट होते हैं, क्योंकि पहले कौन सा? देखो समय है, मैंने बताया था जीवात्मा है गुडनेस, टाइम है पैशन, और फिर ईगो है तमस राइट। अच्छा, तो तमस है क्योंकि जीवात्मा को एंजॉय करना, तो पहले मैंने कहा था ना प्रधान में ईगो जाता है राइट, ईगो जाता है फिर टाइम जाता है, तो ईगो मतलब तमोगुण, फिर टाइम जाने से रजोगुण और सतोगुण में चेंजेस आ जाते हैं, फिर बाद में फिर से रजोगुण में आते हैं। देखिए पढ़िए आप, पढ़िए आगे। हाँ, बाद में विभिन्न प्रकार के भौतिक, नहीं नहीं उसके पहले का लाइन, तो सर्वप्रथम रजो तथा सतोगुण प्रकट होते हैं, प्रमुख होते हैं, या भगवान की इच्छा से विक्षुब्ध होता है तो सर्वप्रथम रजो तथा सत्वगुण प्रमुख होते हैं, बाद में विभिन्न प्रकार के भौतिक कार्यकलापों के द्वारा उत्पन्न रजोगुण प्रधान बनता है। हाँ, रजोगुण प्रधान बनता है क्योंकि कार्य के वजह से, क्योंकि टाइम चला रहा है ना, टाइम मैंने कहा ना रजोगुण में है। हाँ, राइट, क्योंकि टाइम सारी चीजों को हिलाता है। ओके, सतोगुण जो है वो न्यूट्रल स्टेज है क्रिएशन का, न्यूट्रल आगे आएगा, न्यूट्रल न्यूट्रल वहां पे कुछ होता नहीं है, रजोगुण से सब चेंजेस होते हैं। ओके ओके ओके, तो अभी हम आगे जाते हैं श्लोक नंबर 24। सो अहंकार इति प्रोक्तो विकुर्वान् संभुत्रिदा वैकारिकास्तैजसश्च तमसश्चेति यद्विदा द्रव्य शक्ति क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति रीति प्रभो। अभी समझ रहे हैं ना आप लोगों को कि द्रव्य शक्ति क्या है, क्रिया शक्ति क्या है? ठीक है, अभी किसने नहीं पढ़ा वो पढ़ेंगे। कौन है?
अच्छा कौन हाथ पर है? ठीक है शांति लता माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा। इस प्रकार आत्म केंद्रित भौतिकवादी अहंकार तीनों स्वरूपों में रूपांतरित होकर सत्वगुण रजोगुण तथा तमोगुण बन जाता है। ये तीन स्वरूप है। पदार्थ को विकसित करने वाली शक्तियां भौतिक सृष्टियों का ज्ञान तथा ऐसी भौतिकवादी क्रियाओं का मार्गदर्शन करने वाली बुद्धि। हे नारद तुम इसे समझने के लिए पूर्ण सक्षम हो। धन्यवाद गुरुजी। समझ गया। अभी आपको समझा कि कैसे अहंकार तीन चीजों में बदलता है, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। ठीक है उसको जनरली क्या बोलते हैं, सतोगुण मतलब विकसित करने वाली शक्तियां, पदार्थ को तीन रूप में होता है, विकसित करने वाली शक्तियां भौतिक सृष्टियों का ज्ञान तथा भौतिकवादी क्रियाओं का मार्गदर्शन करने वाली बुद्धि। तो ये सब मटेरियलिस्टिक इंटेलिजेंस। तो ये जो है ये जो महाविष्णु के होलसेल में होता है तो फिर ये सारा चीज सेम यूनिवर्स में भी जाता है। तो यूनिवर्स में जो मार्गदर्शन होता है जो कुछ होते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं जो यूनिवर्स में बिल्डिंग बनती है द्रव्य शक्ति, जो बिल्डिंग बना रहे हैं वो क्रिया शक्ति की वजह से। ओके और जो ज्ञान है बिल्डिंग बना रहा है कौन बना रहा है वो ज्ञान शक्ति की वजह से। तो ये उधर भी होता है जैसे होलसेल में भी होता है और इंडिविजुअल बॉडी में भी होता है। समझ गए आप? अपनी इंडिविजुअल बॉडी में द्रव्य क्या शक्ति है, एलिमेंट्स अर्थ वाटर फायर है रेतर। क्रिया शक्ति क्या है, अपने इंद्रियों के द्वारा हम करते हैं बराबर। और ज्ञान शक्ति क्या है, अपने ज्ञान क्या है, देवता अपने शरीर को चला रहे। तो ये होलसेल में भी होता है मतलब ओवरऑल यूनिवर्स के होलसेल में होता है और अपनी इंडिविजुअल बॉडी में भी होता है। समझ गए? ओके जैसे आपने होलसेल दुकान में सारा खरीदा, होलसेल से सारी छोटी छोटी दुकानों में जाता है और छोटी छोटी दुकानों से एक एक इंडिविजुअल अपने घर ले जाता है बराबर, वैसा ही होता है। ओके आप लोगों को समझ रहा है ना क्रिएशन? समझ रहे कि नहीं? आगे और है, आगे बहुत है। ये तो मैं आपको श्लोका से रिलेटेड करके बता रहा हूँ। ओके तो प्रभुपाद अपने तात्पर्य में ना अहंकार के बारे में बताते हैं, कैसे जीवात्मा अहंकार होने के कारण बद्ध हो जाता है, इस भौतिक जगत को एंजॉय करने की कोशिश करता है लेकिन भगवान की भक्ति करेगा, वैदिक शास्त्र पढ़ेगा। ओके तो प्रभुपाद जी उसके बारे में ज्यादा विस्तार में बताते हैं और आगे बताते हैं प्रभुपाद जी की सतोगुण में ब्राह्मणिकल कल्चर होता है तो उसको ज्ञान शक्ति स्टेज बोलते हैं। आदर स्टेज जो है जीवात्मा के बद्ध वो क्या है, द्रव्य और क्रिया। ओके ज्ञान मतलब शरीर ने आत्मा, तो ज्ञान होता है कि देव देवता भी है। ओके तो ऐसे प्रभुपाद उसको एनालाइज करते, ये भी एक फॉर्मूला है, द्रव्य शक्ति क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति। अभी अहंकार तमोगुण में आने से क्या होता है, देखिए तमोगुण में अहंकार आने से क्या होता है, तमसादपि भूताधीर विकुर्वनाद भुन्नभा तस्य मात्र गुण शब्दो लिंगम यद्राष्ट्र द्राश्यो हो। अभी कोई जिसने नहीं पढ़ा प्लीज वो पढ़िया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, कौन पढ़ना चाहेगा जो उसने नहीं पढ़ा? श्याम भजन आपने पढ़ा, कौन पढ़ा? महायोग उन्होंने भी पढ़ा। ये कौन है, सुरेश्वर गोविंद प्रभु, ये लोग तो वीडियो ही चालू नहीं है, कैसे मुझे पता भी नहीं है क्या नहीं। ठीक है एनीवे हाँ हाँ ये पढ़ सकते हैं आप, क्या रुक्मिणी वल्लभ प्रभु आप पढ़िए। मिथ्या अहंकार के अंधकार से पांच तत्वों में से पहला तत्व आकाश उत्पन्न होता है, इसका सूक्ष्म रूप शब्द है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दृष्टा का दृश्य से संबंध होता है। हाँ अभी देखो मिथ्या अहंकार जब तमोगुण में होता है तो द्रव्य शक्ति होती है, द्रव्य शक्ति में क्या एलिमेंट्स और उसके एट्रीब्यूट्स मतलब पदार्थ और उसके गुण। तो सबसे पहला पदार्थ कौन सा आता है, आकाश। लेकिन इसमें श्रीधर स्वामी प्रश्न उठाते हैं कि पहले तन मात्र आना चाहिए ध्वनि या शब्द, तो आप इसे कैसे कहते हैं आकाश क्यों आता है? तो श्रीधर स्वामी खुद ही आंसर देते हैं, बोलते साउंड जो है शब्द जो है वो आकाश का सूक्ष्म पार्ट है और आकाश का एक्स्ट्रॉर्डिनरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी मतलब एक अद्भुत कैरेक्टरिस्टिक है साउंड। तो साउंड आ गया तो आकाश भी साइमल्टेनियसली आया, तो आप आकाश बोलो या साउंड बोलो लेकिन जनरली पहले गुण आता है, फिर क्या कहते हैं एलिमेंट आता है और फिर ऑर्गन आता है। ऑर्गन मतलब क्या बोलेंगे, जैसे गुण आ गया साउंड, एलिमेंट आ गया आकाश या ईथर, और साउंड हम किस ऑर्गन से पकड़ते, कान ईयर। तो हर एक इसमें पहले गुण आएगा, एलिमेंट आएगा और ऑर्गन आएगा।
गुण आएगा, एलिमेंट आएगा और ऑर्गन आएगा, ठीक है। ते तन्मात्र श्रीधर स्वामी लिखते हैं। तो सेम सिमिलर टाइप ऑफ कमेंट्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी देते हैं कि यही पूछते कि ऐसे क्यों होता है कि पहले ईथर क्यों लिखा है उधर, लेकिन जनरली पहले साउंड आता है इसकी, ऐसे लिखा है ना, सब साउंड से क्रिएट होता है, लेकिन जीव गोस्वामी लिखते हैं कि साउंड पहले आता है। जीव गोस्वामी बोलते हैं कि ये इस सृष्टि का पूरा मैनिफेस्टेशन सबसे पहले आता है ध्वनि। अभी ध्वनि आ गया, आकाश आ गया, और उसके बाद क्या आ गया, कान। तो ध्वनि और आकाश इनमें भगवान का दृष्टि, समय का थोड़ा अंश और भौतिक प्रकृति का, भौतिक शक्ति का अंश, ये सब ट्रांसफॉर्म होता है। साउंड में भी लगता है, वो ट्रांसफॉर्म होके आकाश होता है, आकाश में लगता है, वो ट्रांसफॉर्म होके कान होता है, तो वैसे उसमें भी लगता है, तो फिर वापस से गुण आता है। गुण क्या आता है, स्पर्श। स्पर्श है, स्पर्श का ऑर्गन, स्पर्श का एलिमेंट क्या है, टच का क्या है, हवा, वायु, और वायु के बाद क्या है, स्किन, ये सब तैयार होता है, ठीक है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में वही देते हैं कि जीवात्मा को भोग करना होता है तो ये सब उत्पन्न करते हैं, तत्व में सब कुछ लॉर्ड उत्पन्न करते हैं। अभी देखो पहला पैराग्राफ बहुत बढ़िया है, तो ये पहला पैराग्राफ पूरा पढ़िए, आपको आइडिया गिरेगा। कौन पढ़ेगा पहला पैराग्राफ, अभी कौन है, कोई पढ़ना चाहेगा ये? अच्छा, किसने नहीं पढ़ा, पढ़िए जिसने नहीं पढ़ा, जिसको पढ़ना है, क्योंकि पांच तत्व जिनके नाम आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी है, वे सभी मिथ्या अहंकार के अंधकार के ही विभिन्न गुण हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि महत्त्व के रूप में मिथ्या अहंकार श्री भगवान की तटस्था शक्ति से उत्पन्न होता है और भौतिक सृष्टि अहंकार भगवान के, मैंने कहा ना देखो, भगवान के तटस्थ शक्ति से उत्पन्न होता है। क्यों होता है, क्योंकि जीवात्मा को भोग करना होता है, तो इसलिए भगवान को ये सब देना पड़ता है। आगे भगवान देते है, प्रभुपाद जी बोलते है कि छोटे बच्चे को देते ना, ऐसे भगवान को देना पड़ता है ये सब, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, उसका सब बना के देना पड़ता है, ठीक है, पढ़िए आगे। और भौतिक सृष्टि पर प्रभुता जताने के इस मिथ्या अहंकार के कारण ही जीव के मिथ्या भोग के लिए सारे अवयव उत्पन्न होते हैं। जीव भोक्ता के रूप में भौतिक तत्वों के ऊपर प्रधान आधिपत्य जताने वाला बना रहता है। हाँ, वो बिकॉज ये सब अंधकार में जाते तो उसमें वो ऐसे भाव दे देते शंभु के द्वारा कि मैं भोगी हूँ। अहंकार है ना, शंभु उनके रिप्रेजेंटेटिव है ना ईगो के। अच्छा, पढ़िए आगे। यद्यपि पृष्ठभूमि में परमेश्वर रहते हैं, वास्तव में श्री भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई भोक्ता नहीं कहा जा सकता, लेकिन जीव झूठे ही भोक्ता बनना चाहता है। मिथ्या अहंकार का यही मूल है। जब मोहग्रस्त जीव इसकी इच्छा करता है, तब श्री भगवान की इच्छा से छाया तत्व उत्पन्न होते हैं और जीवों को उनके पीछे उसी प्रकार दौड़ने दिया जाता है जिस प्रकार मरीचिका के पीछे मृग दौड़ता है। हाँ, तो क्या लिखा है, छाया तत्व, क्या लिखते हैं प्रभुपाद जी, क्या लिखते हैं पेंटोस में, छाया तत्व। मैंने कहा ना शैडोई एलिमेंट्स, ये किसके शैडो है, ये छाया कब बनता है, ये कब छाया बनता है, अगर जीवात्मा इस भौतिक जगत में भगवान की भक्ति करेगा तो एक्चुअल में असली छाया बनेगा। ये प्रतिबिंब छाया है कि जीवात्मा सोचता है कि मैं ये शरीर हूँ, मैं ये पदार्थ हूँ, तो वो छाया तत्व है। किसका छाया है, आध्यात्मिक जगत में जो शक्ति आए भगवान की, उसका छाया है ये सब, क्योंकि दुर्गा किसकी छाया है, रमा देवी की। समझ गया, ओके, आप लोगों को समझ गया ना। तो जो आगे के लास्ट लाइन में क्या लिखते हैं, जब मोहग्रस्त जीव इसकी इच्छा करता है, तब श्री भगवान की इच्छा से छाया तत्व उत्पन्न होते हैं, क्योंकि जीव की इच्छा फुलफिल करने के लिए, और जीवों को उनके पीछे उसी प्रकार दौड़ाने दिया जाता है जिस प्रकार मरीचिका के पीछे मृग दौड़ता है। समझ गया ना, ये पैंटास्मगोरिया, ठीक है। आगे के भी ऐसे, आगे भी धनी ये सब एलिमेंट्स कैसे तैयार होते हैं तमोगुण में, वो लिखा है। तो हम इसका, ये श्लोका तो बहुत बड़ा है, समय नहीं, आप इसका सिर्फ अनुवाद पढ़ लीजिए। तो और कोई पढ़ना चाहेगा अनुवाद, गिरवरधारी प्रभु या कोई किसी को पढ़ना है तो। क्योंकि आकाश, ऊपर करेंगे थोड़ी थोड़ा, हाँ, क्योंकि आकाश रूपांतरित होता है, अतः स्पर्श गुण से युक्त वायु उत्पन्न होता है, और पूर्व परंपरा के अनुसार वायु शब्द तथा वायु के मूलभूत तत्व अर्थात इंद्रियानुभूति, मानसिक शक्ति तथा शारीरिक बल से भी पूर्ण होती है। हाँ, एक मिनट, जो ये वायु के फंक्शन बताया है,
वायु से क्या होता है, इंद्रियों में शक्ति आती है कि वायु फ्लो होता है। भागवत में 10 प्रकार के वायु बोला है, तो वायु क्या करते हैं, आग खोलने में वायु है, आग बंद करने में वायु है, वायु है ना, आग बंद कौन करता है, हाथ उठा रहा है उसके लिए अलग वायु है, जब अपना प्राण वायु जिसमें है वो अलग है, और जब एक वायु है जो आदान उदान जो ऊपर जाता है जो पेट साफ कराता है, तो ऐसे 10 प्रकार के वायु है, उसके 10 प्रकार के फंक्शन है। आप भागवतम में डालो 10 टाइप्स ऑफ एयर आपको तुरंत मिल जाएगा। ओके, तो उसके वजह से अपने इंद्रियों में ताकत आता है। अगर वायु का फ्लो अच्छा हो तो इंद्रियों में ताकत, मेंटल पावर, क्योंकि जब माइंड डिस्टर्ब होता है ना, देखो आप अगर एक्सरसाइज करते हो या प्राणायाम करते हो तो एयर सर्कुलेशन अपने बॉवल्स को क्लीन करके माइंड तक जाता है, तो माइंड उससे माइंड को बहुत स्ट्रेंथ मिलता है एयर सर्कुलेशन से, और बॉडी में भी स्ट्रेंथ आता है वायु अगर अच्छे से, अगर वायु जिस जगह नहीं फैला तो वहां पे बीमारियां लगती है। ठीक है, पढ़िए आगे। काल तथा प्रकृति के साथ ही जब वायु पंतरित होती है तो अग्नि उत्पन्न होती है और यह स्पर्श तथा ध्वनि का रूप धारण करती है, क्योंकि अग्नि भी रूपांतरित होती है, अतएव जल प्रकट होता है जो रस तथा स्वाद से पूरित होता है। परंपरा अनुसार यह भी रूप स्पर्श तथा शब्द से परिपूर्ण होता है, और जब यही जल अपनी नाना रूपता सहित पृथ्वी में पंद्रित होता है तब वह सुगंधमय प्रतीत होता है, और परंपरा अनुसार यह रस स्पर्श शब्द तथा रूप के गुणों से पूरित हो उठता है। तो आपने देखा जैसे सबसे पहले साउंड आया, ध्वनि, फिर आकाश आया, तो उसके जो गुण है वो एक के बाद एक ऐड होते जाते हैं। ठीक है, तो अभी फॉर्म, अभी अग्नि तक आया। ठीक है भाई, प्रभुपाद जी देखो तात्पर्य में एक अच्छा लाइन लिखते हैं, कि लिखते हैं कि जो हवा में है, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं सारा जो सृष्टि का निर्माण है, ये जो संपूर्ण सृष्टि का प्राक्रम एक क्रमिक विकास कार्य है तथा एक तत्व से दूसरे तत्व का विकास है। तो मैंने कहा किस प्रकार होता है, भगवान की दृष्टि, और मैंने कहा ना सब एक साथ होता है, ये हमें बताने के लिए अलग अलग बताया। भगवान की दृष्टि समय का एक अंश, टाइम का, और भौतिक एनर्जी का एक अंश, नाना रूप प्राप्त होते हैं। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं कि प्रभुपाद वही चीज को एक्सप्लेन करते हैं, आगे लिखते हैं कि जो बीमारियां होती है ये वायु के ना फैलने से होती है, जो उसमें जो क्वालिटी दिया है ना प्रभुपाद जी, आगे लिखते हैं देखो यहाँ से, ये शारीरिक विकार जीवों के भौतिक शरीर के भीतर वायु में विकार आ जाने से होता है, मानसिक विकार शरीर के भीतर वायु के विशेष कुपित होने से होता है। तो मन में भी जो विकार आते हैं जब हम प्राणायाम वगैरह ठीक से करेंगे, हवा ऐसे करते हैं ना, या कुछ कीर्तन में डांस करेंगे, तो जब ऐसा अपनी सांस ऊपर नीचे ऐसा एक्सरसाइज जैसा हो जाता है ना, तो जब हवाएं चलती है तो मन भी ये होता है। अतएव यौगिक व्यायाम वायु को ठीक से रखने में विशेष लाभप्रद होते हैं, और ऐसे व्यायामों में शरीर के विकार प्राय ना के बराबर हो जाते हैं। योगासनों को ठीक से करने पर आयु भी बढ़ती है, तो वायु के कंट्रोल करने से इंसान अपना आयु भी बढ़ाता है, और ऐसे अभ्यासों से मृत्यु को भी वश में किया जा सकता है। एक पूर्ण योगी मृत्यु पर भी वर्चस्व रख सकता है। आपने देखा वायु का क्या है, प्राणवायु का, क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये यूनिवर्सल फॉर्म में भी आएगा ये प्राणवायु। ठीक है, किंतु शरीर को त्याग सकता है योगी, किंतु तभी जब वो अपने आप को उपयुक्त लोक तक ले जाने में सक्षम हो। लेकिन भक्ति योग, प्रभुपाद बोलते हैं भक्ति योग के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है, भक्ति योग सीधा भजन करेगा, भक्ति करेगा और सीधा वैकुंठ को जा सकता है। ठीक है, आप लोगों के पास 10 मिनट है, मैं थोड़ा 10 मिनट आगे करूँ, ये खत्म कर दूं, आप लोग रहेंगे रुकेंगे या जाना है? यस प्रभु, करिए। यस प्रभु जी, कंटिन्यू करिए। जस्ट 10 मिनट, फिर एक पीपीटी दिखा के मैं खत्म कर दूंगा। ठीक है, हम ऐसे इसलिए खत्म नहीं होता है। वैकारिकन, अच्छा वो श्लोक पढ़ेंगे अपने, एक मिनट। वैकारिकन मनो जिज्ञे देव वैकारिका दशा दिग्वर्त का प्रचेतोस्वे विहिनेन्द्रोपेन्द्र मित्र का। अभी कौन पढ़ेगा, कौन पढ़ लो फटाफट कोई, तो सब तो गुण से मन उत्पन्न होकर व्यस्त हो अभिक्त होता है, साथ ही शारीरिक गतियों के नियंत्रक 10 देवता भी प्रकट होते हैं। ऐसे देवता शिक्षाओं के, सॉरी, शव नियंत्रक, वायु के नियंत्रक, सूर्य देव, दक्ष, प्रजापति के पिता,
अश्विनी कुमार, अग्निदेव, स्वर्ग का राजा इंद्र, स्वर्ग के पूजनीय हर्ष विग्रह, आदित्यों के प्रमुख तथा प्रजापति ब्रह्मा कहलाते हैं, सभी इस तरह अस्तित्व में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे ओके ये सब तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो उपेंद्र का भी नाम दिया है, यहाँ उपेंद्र का नाम है ना इधर, ठीक है इसमें नहीं दिया है, ठीक है वो कमेंट्री में उपेंद्र का नाम है, उपेंद्र विष्णु नहीं एक देवता है। तो ये सब ये क्या है, आपने क्या पढ़ा अभी कि जब सतोगुण में आता है मन और मन के देवता शुरू होते हैं, आपने देखा ना कैसे होते हैं मन और मन के देवता, ठीक है बराबर ना, मन और इंद्रियों के देवता। हाँ देखा है कि नहीं आपने पीपीटी में? यस गुरु जी। हाँ तो मन और इंद्रियों के देवता, अभी आगे ठीक है हम श्लोक नंबर 31 में जाते हैं। तैजसत्तु विकुर्वानात् इंद्रियाणि दाशभावं ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति बुद्धि प्राणाश्च तैजसु श्रोत्रं त्वा ग्रहण दृग् जीवा वाग्दोर मिदरं गृह पायवः। तो इसका अनुवाद कौन पड़ेगा? रजोगुण में और अधिक विकार आने से बुद्धि तथा प्राण के साथ ही कान, त्वचा, नाक, आंख, जीभ, मुंह, हाथ, जनन इंद्रिय, पांव तथा मल विसर्जन की इंद्रिया उत्पन्न होती है। हाँ तो आपने कहा जब अहंकार रजोगुण में जाता है तो दस इंद्रिया ठीक है, दस इंद्रिया बुद्धि और प्राणवायु आता है, ठीक है ना। तो प्राणवायु क्या करता है, अपने कर्म इंद्रियों को चलाता है, बुद्धि ज्ञान इंद्रियों को चलाती है। तो प्राणवायु इतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। प्रभुपाद जी का तात्पर्य देखो छोटा है तो कोई पढ़ लेगा, ये आवाज आ रहा है कोई, तो म्यूट हो जाए। अच्छा कोई पढ़ना चाहेंगे परपोट तात्पर्य? मुझे क्यों समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जिनका जिनका वीडियो बंद है ना तो है नहीं। आवाज आ रही है? हाँ पढ़िए, कौन पढ़ना चाहते है पढ़िए फटाक से। हरे कृष्णा। हाँ पढ़िए ना। जीवन न्यूनाधिक रूप में बुद्धि तथा प्राण शक्ति पर निर्भर करता है। कठिन जीवन संघर्ष का सामना करने के लिए ज्ञानेंद्रियां बुद्धि की सहायता करती और प्राण शक्ति की धारणा हाथ तथा पांव जैसी सक्रिय इंद्रियों के संचालन से होती है। अतएव कुल मिलाकर यह जीवन संघर्ष रजोगुण का कार्यान्वयन होता है। अतएव बुद्धि तथा प्राण समेत सारी इंद्रियां प्रकृति के द्वितीय गुण रजोगुण के विविध उत्पाद तथा उपोत्पाद है, किंतु यह रजोगुण वायु तत्व से उत्पन्न है जैसा कि पहले कहा गया। हाँ तो वायु तत्व इसमें भी है, ठीक है। वायु तत्व रजोगुण में, वायु तत्व क्या करता है इंद्रियों को चलाता है। अब ये श्लोक नंबर अभी है, अभी अभी क्या है, अभी देखो अभी ये क्रिएशन मिक्स नहीं हुआ, ये क्रिएशन होगा। अभी तमोगुण में क्या दिखाया, रजोगुण में दिखाया, सतोगुण में दिखाया, ठीक है इंद्रिय इंद्र के देवता, ठीक है रजोगुण में दिखाया। अब ये 32 में 32 से लेके 35 कार्य सृष्टि के बारे में बताया, लेकिन अभी मत कर जाना, मैं आपको पीपीटी बताता हूँ। तो कार्य सृष्टि तक पीपीटी बताता हूँ, फिर कल हम कार्य सृष्टि से करेंगे। अभी तक आप लोगों को क्रिएशन के बारे में थोड़ा समझ गया ना, जो तात्पर्य पड़ा, छह टाइप के क्रिएशन क्या है, महातत्व, फिर अहंकार, अहंकार रजोगुण, अहंकार सतोगुण, अहंकार तमोगुण, राइट। प्रभु जी मुझे 6 वाला था डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस, वो आया नहीं कर। वो तीसरे कैंटो में माता जी। ओके वो थोड़ा डिवाइडेड है, सब एक साथ नहीं है, तो आगे आएगा तीसरे कैंटो में। और प्रभुपाद कभी कभी तात्पर्य में थोड़ा देते हैं। What exactly इसका मतलब क्या, थोड़ा बता देंगे darkness of ignorance? उसमें क्या है, ये सारा क्रिएशन जो किया ना पांच, उसको और कवरिंग कर देते हो, क्या कवरिंग कर देते, क्योंकि जीवात्मा के आधार पर ये क्रिएशन हुआ, जीवात्मा के स्वभाव और कर्म के अनुसार, तो उसमें इतना ठूस लिया, इतना कवरिंग कर दिया कि जीवात्मा को लगता है कि ये मैं ही, उसका जो पहले का जो क्रिएशन में जो पहले, मतलब जो पहले क्रिएशन बंद हुआ, कि पहले कोई समझो किसी को हाथी बनना था, तो बाद में वो पदार्थ सब पदार्थ में चले गए और वो आत्मा महाविष्णु में चले गया। तो महाविष्णु में जब जीवात्मा होता है उसको लिंग शरीर होता है, लिंग शरीर, महाविष्णु के स्टेज पे जब जीवात्मा बाहर आता है उसको बोलते हैं लिंग शरीर, इंग्लिश में बोलते हैं कॉजल बॉडी। जैसे एग्जाम्पल, वो जीवात्मा पहले हाथी था और सारा क्रिएशन वाइंड अप हो गया, तो एलिमेंट्स एलिमेंट्स में चले गए, सूक्ष्म तत्व में चले गए, और वो जीवात्मा जो इच्छा है हाथी बनने की वो महाविष्णु में चले गया। लेकिन जब वो बाहर आता है महाविष्णु में, उसकी इच्छा जो रहती है भौतिक इच्छा, उसको उसकी जो भौतिक इच्छा की जो शरीर होती है हाथी का, वो सीड फॉर्म में होता है, सीड मतलब एक बीज फॉर्म में होता है,
उसको कहते हैं कॉजल बॉडी। तो उसका जो कर्म और स्वभाव के अनुसार ये सब ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो जब वो गर्भदक्षा विष्णु में आता है तो उसको सूक्ष्म बॉडी मिलता है, ब्लू प्रिंट हाथी का। लेकिन जब वो लोटस में आता है तो गर्भदक्षा विष्णु में आता है तो उसको लिंग महाविष्णु में लिंग शरीर कॉजल बॉडी, गर्भदक्षा विष्णु के बॉडी में आता है जब लोटस में आता है तो उसको सूक्ष्म शरीर सटल बॉडी। और जब ब्रह्मा जी क्या करते हैं भौतिक प्रकृति से एलिमेंट्स लेते हैं, जैसे बच्चा जो रहता है उसको हाथी ऑलरेडी ड्रॉइंग करके दिया है, उसको सिर्फ कलरिंग करना है, तो ब्रह्मा जी उसको एलिमेंट्स लगा के देते हैं। तो ये ब्रह्मा जी इंजीनियर है। और जो सूक्ष्म जैसे हाथी का डिजाइन वगैरह आ गया वो नक्शा होता है इस यूनिवर्स का, तो आगे आएगा। ओके ठीक है, थैंक यू। अभी देखो ये जो एलिमेंट्स क्रिएट हुआ ये क्या लिखा है ऊपर, एलिमेंट्स महातत्व से जो गोल्डन यूनिवर्स है उसको कवरिंग कर देते हैं। ठीक है, अभी अभी क्या है, इसके बाद छह टाइप के क्रिएशन होने के बाद, ये ब्रह्म संहिता के 12-13-17 श्लोक में है, 17-16-17 में है। महाविष्णु अभी ये महातत्व है ना सारा, तो इस सबका जो प्रिंसिपल है, जो जीवात्मा है सबको ना महाविष्णु एक इसमें बनाते हैं, एक क्या कहते हैं, एक सूक्ष्म इसमें बना देते हैं सबको, सॉरी एक सूक्ष्म इसमें बनाते हैं। तो अपने लेफ्ट हैंड राइट हैंड से प्रजापति हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का उत्पन्न करते हैं। ये हिरण्यगर्भ क्या है, ये है यूनिवर्स का ब्लूप्रिंट जैसा। हिरण्यगर्भ मतलब हिरण्यगर्भ, हिरण्य मतलब गोल्डन, गर्भ मतलब इसको, हिरण्यगर्भ को जीवास का टोटालिटी ऑफ जीवास बोलते हैं। सारे जो जीवात्मा है वो उसका सब एक इसमें आया हुआ है हिरण्यगर्भ। और लेफ्ट साइड से विष्णु की प्राकट्य करते, ये विष्णु कौन, ये दोनों भी है गर्भदक्षाएं और शिरदक्षाएं। और फिर अपने भ्रिकुटी से और एक शंभु को तैयार करते हैं। ये जो शंभु है जीव गोस्वामी लिखते हैं कि जो ऊपर आपको शंभु दिख रहा है उसका भैरू पे है प्रोटोटाइप, यानी अभी दो शंभु आ गए महातत्व में, समझ गए। ओके, तो महाविष्णु अभी ये जो है, ये ब्रह्मा प्रजापति हिरण्यगर्भ ब्रह्मा, ये चतुर्मुख नहीं है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रिएटिव प्रिंसिपल या सृष्टि रचनात्मिका तत्व। ओके, तो ये जो है ब्रह्मा हिरण्यगर्भ ब्रह्मा शंभु और ये विष्णु, ये हर एक जो ब्रह्मांड महाविष्णु के ब्रीदिंग से निकले है सारे मिलियंस ऑफ ब्रह्मांड, ये सबके ब्रह्मांड में जाएंगे, विस्तारित होके सारे ब्रह्मांड में जाएंगे, समझ गए। तो जो ब्रह्मा विष्णु महेश ये जो है ये अलग है, सृष्टि के पहला जो होता है ना ये अलग है। ठीक है, अभी देखो ये ब्रह्मांड देखा राइट, आप ध्यान से देखिए पीपीटी आप लोग, ये ब्रह्मांड देखा ना आपने, ये ब्रह्मांड देख रहे हैं आप, दिख रहा है नहीं आपको, ये जो गोल गोल गोल, अभी ये ब्रह्मा शिव और विष्णु को देखिए, ब्रह्मा शंभु और विष्णु को, इसके प्रोटोटाइप दिख रहा है, ये देखो आया ना, इसके प्रोटोटाइप, इसके भैरूपिया हर एक ब्रह्मांड में जाएंगे। मैं तो धीरे धीरे एक एक बताया, वो एक साथ जाते हैं, मतलब कैसे जाते हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु हिरण्यगर्भ ब्रह्मा को अपने बॉडी में लेते हैं और शंभु को भी ले लेते हैं। तो गर्भदक्षाय विष्णु महाविष्णु गर्भदक्षाय विष्णु में विस्तारित करके इन सबको लेके जाते हैं, और प्राकृत देवता भी जाते हैं इसके अंदर ब्रह्मांड के अंदर, ये महाविष्णु के गर्भदक्षा विष्णु के बॉडी में जाते हैं सब, समझ गए। ये आगे आएगा फिर कार्य सृष्टि में। ओके, समझ गए आपको, ये जाएंगे, अभी नहीं जाते अभी जाएंगे, ये जाएंगे जब गर्भदक्षा विष्णु इनको सबको अपने शरीर में ले जाएंगे, प्लस गर्भदक्षा विष्णु काली माँ के साथ जाएंगे ये थर्ड कैंटो में भी। अब ये तो बताया मैंने, काली माँ ने बताया, आगे बताया काली माँ, ठीक है, ये तो मैंने 2-3 बार इसको रिपीट करवाया, ठीक है आगे देखिए। हाँ अभी ठीक है, अभी ये यूनिवर्स का स्पेस कितना है, 4 बिलियन माइल्स, 4 बिलियन। अभी इसको मल्टीप्लाई करो 10 में, ये अर्थ का लेयर 4 × 10 = 40, और मल्टीप्लाई करो 10 वाटर का लेयर, और मल्टीप्लाई करो वो है आग का लेयर, कैसे ईच लेयर 10 times मल्टीप्लाई करो, ये जो ओपन स्पेस है 4 बिलियन माइल्स। ठीक है, हाँ अभी देखो आप लोग देखिए, अभी जो गर्भद मैंने बताया ना उसके भैरूपिया जाते हैं, वो कैसे जाते हैं, इधर है वो तो इसमें दिखाई नहीं देंगे, ये जो दुर्गा है ये चेंज होती है काली में, काली माता। ठीक है, तो गर्भ थर्ड कैंटम है गर्भदक्षा विष्णु एंट्रेंस, वो चैप्टर है ना मैनिफेस्टेशन ऑफ गर्भदक्षा विष्णु,
सो लॉर्ड एंट्रेंस विद गॉडेस काली. अभी कोई बोलेगा काली माँ के साथ क्यों जाएंगे, एक्चुअली गर्भदक्षा विष्णु लक्ष्मी के साथ ही जाते हैं, लेकिन वही लक्ष्मी हमारे लिए काली दिखती है. काली का मतलब जीव गोस्वामी बोलते हैं दैट विच कंबाइंस. अब ये काली गर्भदक्षा विष्णु क्या करते हैं, ब्रह्मांड में जाते हैं और शिरोदक्षा विष्णु भी जाते हैं, तो काली क्या करती, सारे लेयर्स को कंबाइन कर देती है अर्थ वाटर. अभी कंबाइन मतलब कैसे, फिर से देखिए आप, अभी अंदर गए, अभी उसको यूनिवर्स को कंबाइन करेंगे तो यूनिवर्स एकदम गोल हो जाता है ऐसा. ये आगे आगे कार्य सृष्टि में आएगा, ये कंबाइन होता है. ठीक है, लॉर्ड्स एंट्रेंस इनटू यूनिवर्स विद गॉडेस काली. अभी हर एक ब्रह्मांड में जाएंगे, फिर वो रुकते हैं, हजारों साल तक सोते हैं, फिर विराट रूप का बनाते हैं. ये है क्रिएशन. तो आगे जब हम कार्य सृष्टि करेंगे तो इसके बारे में सब पता चलेगा. ओके, वो ऐसे जाते हैं और फिर उनके शरीर में वो हिरण्यगर्भ ब्रह्म बनेगा. देखो जो गया था ना, अभी जो महाविष्णु से निकला है, अब जो पिछले स्लाइड देखो, ये जो महाविष्णु के हाथ से निकला है, ये इसका जो सूक्ष्म है, ये सबसे सूक्ष्म है जो महाविष्णु के, अभी देखो हाथ से निकल रहा है ना, राइट हैंड से. अभी देखो राइट हैंड से जो निकला है, एक मिनट, ये जो राइट हैंड से निकला है ये सबसे सूक्ष्म है. इसका जो प्रोटोटाइप जाएगा वो इससे थोड़ा ग्रॉस है, स्थूल है, लेकिन वो खूब बहुत सूक्ष्म है. देखो इसका प्रोटोटाइप है, एक मिनट, इसका जो प्रोटोटाइप आ रहा है, ठीक है, ये उसका जो महाविष्णु से निकला उसका, उससे वो थोड़ा स्थूल है लेकिन ये भी सूक्ष्म है, ये अंदर जाएगा. और इसका जो स्थूल है वो गर्भदक्षा विष्णु अपने बॉडी में क्रिएट करेंगे, लेकिन वो भी सूक्ष्म है. समझ रहा है आप लोगों को ये सब? अभी जो गर्भदक्षा विष्णु क्रिएट कर रहे हैं ये उसका स्थूल है. ओके, और यही स्थूल को गर्भदक्षा विष्णु लोटस के अंदर डालेंगे. वो सब मैं आगे बताता हूँ, जब कार्य सृष्टि होगा ना, देखो ऐसे वो लोटस के अंदर जाता है वो, ये देखिए उसका जो रिफ्लेक्शन डालते हैं लोटस के अंदर, ये लोटस है, दिख रहा है इसका जो जो है ना, अगर हिरण्य गर्भ उसके लोटस को अंदर डालते हैं तो वही लोटस के अंदर आता है और उसमें सारा ब्रह्मांड है और उससे चतुर्मुख ब्रह्मा आते हैं. समझ गए? तो ये आगे कार्य सृष्टि में आएगा. ओके, अभी यूनिवर्स कैसे तैयार होता है, ये यूनिवर्सल फॉर्म क्या है, ये जो पीला पीला, ये विराट रूप क्या है, विश्व रूप क्या है, हम आगे देखेंगे. ओके, किसी का कोई प्रश्न? अभी हम रुकते हैं इधर. कृष्णा जी, यदि पॉसिबल है तो पीपीटी शेयर कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि एक आईडिया वर्ड लेंगे तो पकड़ में आ जाएगा. लेकिन आपको समझा क्या, किसी का कोई प्रश्न है क्या? शुभेंद्र कुमार को कुछ पूछना चाहते हैं? हरे कृष्ण गुरु जी. हाँ बोलिए ना प्रभु. गुरु जी, वो जो आपने छह क्रिएशन बताया उसको एक बार फिर से बताएंगे क्या, वो बस ऐसे आप केवल नाम ऐसे बता देंगे क्या? ने पूरा क्या, अभी तो 8:45 हो गए, तो मैं कल बता सकता हूँ पूरा, मतलब स्टार्ट में 10, क्योंकि इतना तो हुआ, फिर से रिकैप समरी कल बता दूंगा. ये सब थोड़ा थोड़ा ब्रह्म संहिता सेकंड कैंटो थर्ड कैंटो है उसका, है थोड़ा उसमें डिटेल्स है, लेकिन मैं सेकंड कैंटो के वर्सेस के रिलेटेड बता रहा हूँ. अपने वर्स में पढ़ा ना अहंकार, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण. अभी ये सब को गर्भदक्षा विष्णु सात प्रिंसिपल में लेके जाते हैं, वो मैं आगे कार्य सृष्टि में बताऊंगा. कार्य सृष्टि में गर्भदक्षा विष्णु जाते हैं तो थर्ड कैंटो के भी कुछ श्लोका बताऊंगा, फिर यूनिवर्सल फॉर्म क्या है वो बताऊंगा, और यूनिवर्सल फॉर्म के बेस्ड ब्रह्मांड क्रिएट होता है 14 प्लैनेट्स. तो बहुत इंटरेस्टिंग है, कॉन्शियस है. आप बोलिए. हाँ यस. तो और जो पूजी आप चतुर्भुज का जो संकर्षण चतुर्भुज को बता रहे थे, वो कहाँ पे, चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री में है या और किसी बुक में है? वो जो आपने स्टार्टिंग में ही बताया था. नहीं, चतुर्भुज नहीं, आप क्या चाहते हैं, चतुर्भुज के बारे में कहा है या चतुर्भुज के फंक्शंस के बारे में कहा है? नहीं नहीं, आपने जो 15 और 16 जी वो चीज, नहीं नहीं वो 15-16 है, उसमें परपट में संबंध अविद्या प्रयोजन आता है ना, तो उसमें मैंने चतुर्भुज ऐड कर लिया. तो चतुर्भुज के बारे में महातत्व में आते हैं ना चतुर्भुज, तो पहले ही मैंने आपको उसका फंक्शन बता दिया. जी ये कहाँ पे है, जैसे आपने बोला था कुछ, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के कहीं पे तो है ये, आपने कुछ बोला था? नहीं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर चतुर्व्यूह को कल्याण गुण, कल्याण गुणास बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते.
उनका नाम देते हैं, ये नहीं पूछा, ये जो फंक्शन बताया था। अच्छा ऐसा बोलो ना, देखो देखो चतुर्भुज का जो फंक्शन है ना, ये सारे प्रभुपाद के तात्पर्यों में आपको मिल जाएगा, हमें सारा ढूंढ के नहीं दे सकता। जो प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, अहंकार मीन्स आइडेंटिटी, प्रभुपाद देते क्षेत्र गच्छ मिमां विधि सर्व क्षेत्र शुभारत, वो श्लोक है ना, आत्मा और आत्मा का क्षेत्र, आत्मा है तो इसका शरीर हो गया क्षेत्र, अगर शरीर से आइडेंटिफाई किया तो शरीर से जो लगा हुआ है वो उसका क्षेत्र होगा, जैसे उसकी पहचान वैसा उसका क्षेत्र। ओके है ना, ऐसा अलग अलग जगह, हाँ अलग अलग जगह पे है प्रभु, उसको पढ़ के होता है। इसके सारे रेफरेंस है, मैंने आज तक बताया दे दिया, उसका भी दे दूंगा, लेकिन समय लगता है ढूंढने के लिए बहुत। ठीक है, आप देखेंगे ना सीसी में है, परपोर्ट्स में है, सब जगह है वो। प्रभुपाद लिखते हैं ना, वासुदेव इज अ लॉर्ड ऑफ कॉन्शियसनेस, देन कॉन्शियसनेस से हम क्या करते हैं, एंडिवर तो करते हैं ना, राइट। इंद्रियों के द्वारा प्रद्युम्न इज अ लॉर्ड ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस फंक्शन, माइंड का फंक्शन क्या है, एक्सेप्ट और रिजेक्ट, क्या लेना और क्या कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं हिंदी, स्वीकार करना और रिजेक्ट करना। लेकिन जब मन कब स्वीकार और कब रिजेक्ट करता है, बुद्धि के आधार पे, और बुद्धि का क्या फंक्शन है, डिस्क्रिमिनेट। बुद्धि डिस्क्रिमिनेट कब करती है, चेतना के आधार पे, और चेतना कैसी होती है, अपनी इच्छा के आधार पे। तो अगर इच्छा चेंज कर दिया तो ये बुद्धि मन सब चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये सब फंक्शन है, इसको लॉजिक से लगा के सेंटेंस को डॉट्स को कनेक्ट करके हो जाता। तो मैं कल फिर से ओवर भी दूंगा कारण सृष्टि का, अभी फिर कार्य सृष्टि भी बता दूंगा। अगर मैं डिटेल में क्रिएशन का स्पेसिफिक क्लास मैं जब ब्रह्म संहिता सिखाता हूँ तब सिखाता हूँ, क्योंकि इसमें पूरा क्रिएशन है, ये सेकंड कैंटो के रिलेटेड है, इसलिए जो श्लोक है मैं उसके रिलेटेड बता रहा हूँ। एटलीस्ट आप तक तो, आपको आइडिया तो गिर गया, अहंकार तीन टाइप के कैसे होते हैं, यूनिवर्सल महातत्व के अंदर होते हैं, समझ गया ना आपको, इतना तो समझ गया ना। थर्ड कैंटो के परपोर्ट्स में है, फिर चैतन्य चरितामृत के आदि लीला चैप्टर 1-7 के अंदर परपोर्ट्स में है, ऐसा है। मैंने वो सीसी के भी कोट नहीं किया बहुत सारे वर्सेस, क्योंकि मुझे खत्म करना है ना प्रभु, 5 दिन में कैसे बताऊंगा मैं ये सब। हर एक ये चैप्टर के 42 वर्स है, नेक्स्ट चैप्टर के 46 है, उसके बाद के चैप्टर के ज्यादा है, तो कैसे खत्म हो गए प्रभु बताइए ना, मेरे को 5-6-7 खत्म करना है ना। तो ऊपर से तुमको कमेंट्रीज भी चाहिए, तो मैं आपको दिखा दूं क्या, मैं कमेंट्रीज है सारे 3-4, उसमें से ही पढ़ के सुना रहा हूँ। कभी कभी कुछ कुछ कमेंट्रीज सेम ही बताते हैं, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो आज तक अभी इतना तक तो हो गया, ठीक है, तो कल मैं कोशिश करके चैप्टर खत्म कर दूंगा। ये भी होगा क्या नहीं पता नहीं, वही डर लग रहा है, क्योंकि यूनिवर्सल फॉर्म का ही बहुत डिटेल है। यूनिवर्सल फॉर्म किसका बना है, विराट रूप, विराट पुरुष और विश्व रूप जो अर्जुन को दिखाया, तीनों में अंतर क्या है, बहुत अंतर है तीनों में। यशोदा को दिखाया जो विराट रूप है वो क्रॉस सेक्शन है विश्व रूप का, दुर्योधन को दिखाया वर्टिकल सेक्शन है। ठीक है, अभी तक जितना पढ़ा उतना तो समझा ना, ठीक है, पूरा तो नहीं आया। अरे जितना पढ़ा उतना तो समझा, पूरा मैंने भी क्या बताया, जितना पढ़ा उतना तो आइडिया गिरा ना, जो श्लोक के अनुसार वो तो बताओ, जो श्लोक जो कर रहे उतना तो समझ गया ना, काल कर्म से द्रव्य काल कर्म कैसे चेंज होता है, ये सब महातत्व में होता है। ठीक है, किसको किसको नहीं समझा हाथ ऊपर कीजिए। अच्छा सुकुमारी माता जी, आपने हाथ ऊपर किया, आपको कुछ पूछना है। प्रभु जी छोटा सा प्रश्न था, प्रभु जी बहुत अच्छी क्लास थी, आपने बहुत अच्छे से समझाया इतना तत्व ये सारा। प्रभु जी जैसे आपने बताया अभी कि जो है वो हिरण गर्भ जो है सूक्ष्म वाला स्थूल वाला ये दोनों तो समझ में आया, जो स्थूल वाला था वो ब्रह्मा विष्णु महेश और सूक्ष्म वाला जो वो कमल लोटस को एक्सपैंड करते हैं। पर हमने जब शुरुआत में जब पढ़ा था तब वो जब महत्त्व क्रिएट हो रहा था तब भी आपने बताया था गर्भ दक्षाई का जो है वो हिरण गर्भ में परिवर्तित हो जाता है एंड देन, तो वो यही वाला है। हाँ वो यही वाला है, वो तीनों स्लाइड तो एक तीनों समरी था, उसका भी एक एक स्लाइड का एक्सपांशन आगे बता, तीनों तो महाकल्प विकल्प और कल्प क्या होता है वो बता। तो ये वही वाला हिरण गर्भ जो है यहाँ पे। हाँ वही वाला यस प्रजापति हिरण गर्भ। ठीक है, आपको ब्रह्म संहिता से तुम लोग को बताता हूँ कहाँ पर है, अभी तुम इतना पूछ रहे थे ब्रह्म संहिता से पढ़ा था, ब्रह्म संहिता से कोशिश की थी प्रभु जी बहुत समझ नहीं पाए थे। हाँ वो नहीं समझेगा, मैंने तो सिर्फ 7-8 श्लोक बताना पढ़ने के लिए, राइट आपने आगे का भी कहा था प्रभु जी, वो
पढ़ा था मैंने थोड़ा आगे 7, 8, 9 तक पढ़ा था। हाँ ठीक है, मैं वो बताता हूँ हिरण्यगर्भ का कहाँ है, आप देख लीजिए। एक लाइन बता देता हूँ, ब्रह्म संहिता के कौन से चैप्टर में है, ब्रह्म संहिता के श्लोक में है, ये देखो। देखो इधर आपको बताता हूँ, अभी इंग्लिश में पढ़ के हिंदी में बताता हूँ। ये ब्रह्म संहिता का श्लोक है, श्लोक नंबर कौन सा है, श्लोक नंबर 15 है, ठीक है। अभी ऊपर का लाइन पढ़ता हूँ, ठीक है। द डिवाइन पुरुष आर लाइंग इन द ओशन, फिर हिंदी में बताता हूँ। हु इज द रेगुलेटर ऑफ ऑल इंडिविजुअल सोल इज श्री विष्णु, जो डिवाइन पुरुष गर्भ दक्ष है विष्णु। एंड हिरण्य गर्भ द सेमिनल प्रिंसिपल, जिससे सेमिनल मतलब जिससे सारा चीजें क्रिएट होता है। द पोर्शन ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, वो सुप्रीम लॉर्ड का ही अंश है। वो कैसे अंश है मैं आपको कार्य सृष्टि में बताने वाला था। इज द प्राइम प्रोजिनेटर, प्रोजिनेटर मतलब पैदा करने वाला। हु इज अ डिफरेंट फ्रॉम फोर फेस्ड ब्रह्मा, ये चतुर्मुख ब्रह्मा से अलग है। द सेम हिरण्य गर्भ इज अ प्रिंसिपल सेमिनल क्रिएटिंग एनर्जी ऑफ एवरी ब्रह्मा। तो ये जो हिरण्य गर्भ है ये एक सेमिनल प्रिंसिपल है, जिससे मतलब एक सृजात्मक प्रिंसिपल है, तत्व है, जो सारे ब्रह्मा जी को क्रिएट करता है। चतुर्मुख ब्रह्मा हो, दसमुख ब्रह्मा हो, और बिलोंग टू ईच ऑफ इन्फिनिटी ऑफ यूनिवर्स, हर एक यूनिवर्स में होता है हिरण्यगर्भ ब्रह्म, ठीक है। और ये हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जब ये चतुर्मुख ब्रह्मा आते हैं, मैं आगे बताने वाला था, ये हिरण्यगर्भ ब्रह्मा चतुर्मुख ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर होता है, और ये 14 भुवन ब्रह्मा जी का ग्रॉस स्थूल शरीर होता है। तो जैसे हमारे इसमें सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, आत्मा और परमात्मा है, वैसे ब्रह्मांड का सूक्ष्म 14 भुवन, ओके, ये ब्रह्मा जी का ग्रॉस शरीर है, हिरण्य गर्भ ब्रह्मा जी का सूक्ष्म शरीर है। इसलिए ब्रह्मा जी जब आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई मतलब पहचान कराते हैं कि ये मैं हूं करके, तो ब्रह्मा जी को भी कभी कभी हिरण्य गर्भ ब्रह्मा बोलते हैं। तो आइडेंटिफाई करते हैं तो हिरण्य गर्भ ब्रह्मा ब्रह्मा जी का सटल बॉडी बन गया। लेकिन यही हिरण्य गर्भ ब्रह्मा जो गर्भदक्षा विष्णु के रिफ्लेक्शन से आता है, उसको गर्भदक्षा विष्णु के लिए ब्लू प्रिंट है, लेकिन हिरण्य गर्भ ब्रह्मा या ब्रह्मा जी के लिए ये असली क्रिएशन है। तो ब्रह्मा जी आत्मा हो गया और यूनिवर्स में शिरोदक्षा विष्णु जाते हैं, वो परमात्मा हो गया। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी का सूक्ष्म शरीर हो गया, और ये 14 भुवन विराट रूप ब्रह्मा जी का स्थूल शरीर हो गया। ये सब मैं आगे बताने वाला था, समझ गए डिफरेंस? वी विल वेट जब आप बताएंगे। ओके, ये समझ रहा है ना जी? आप लोगों को समझा है ना ये सब? ये बहुत इंटरेस्टिंग है, कभी सुनने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब कभी सुना नहीं होगा, ऐसा सब कॉन्सेप्ट है ये सब। जैसे यूनिवर्स का भी ब्लू प्रिंट है और वो काम करता है सारा, जैसे हम हमारा हाथ उठाते हैं ना, यूनिवर्स के यूनिवर्सल फॉर्म में होता है। मैं कृष्णा बुक से अक्रूर बोलते हैं जब वो विष्णु को देखते हैं कि हे भगवान, ये जो कुछ इस धरती में, आकाश में, जल में जो हो रहा है, ये सब आपके विश्व रूप में हो रहा है। तो विश्व रूप में हो रहा है इसलिए इधर हो रहा है, विश्व रूप में नहीं होता तो इधर नहीं होता। तो विश्व रूप क्या है, जीवात्मा का सूक्ष्म आइडिया है, उसके अनुसार जो चल रहा है उसका इसका प्राकट्य इधर होता है। तो आगे मैं सब बताने वाला था कार्य सृष्टि में, ओके ठीक है। और किसी को? ठीक है, हम चले फिर। मैं थोड़ा हिंदी में कोशिश करके बता रहा था, तो जितना हो सका ये श्लोक के अनुसार तक बताया मैं, ठीक है। पूरा क्रिएशन बताने के लिए मेरे को पूरे 4-5 दिन जाएंगे, और सेकंड कैंटो को बाजू रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। आप सेकंड कैंटो सीख लो, उसमें ही आधा से ज्यादा बहुत है। सेकंड कैंटो में भी जब विश्व रूप आएगा ना, सब बता दूंगा उसमें क्या क्या है, पुरुष सुक्त किसके लिए होता है, यूनिवर्सल फॉर्म क्या है, ठीक है। अब वो कार्य सृष्टि घर जाके थोड़ा पढ़ के आइए, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो इजी होगा। अगर आप घर जाके पढ़ेंगे नहीं ना, देखो आप टीचर से सिर्फ 25% सीखते हैं, 25% घर जाके पढ़ने से, 25% प्रश्न पूछने से, और 25% जो पढ़ा है उस पर मनन करने से धीरे धीरे समझ में आता। ओके ठीक है, ओके। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू। आप लोगों को समझ रहा है कि नहीं? हाँ ना, सब लोग सब बंद होके बैठे हो, समझ में नहीं आ रहा मुझे। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद। अच्छा, समझ तो रहा है ना? अभी तक 6 प्रकार के क्रिएशन करते महाविष्णु। हाँ प्रभु जी, प्रभु समझ आ रहा है। तो इसका जो चार्ट है ना, देखो मैं आपको इसका चार्ट बताता हूँ। इसका जो चार्ट है ना, चार्ट वो आपके पास अगर सुबोधिनी होगी ना, सुबोधिनी
सुबोधनी भी प्रभु जी एक चार्ट ये हमारे पास हाँ हाँ वही चार्ट है वो अच्छा है वो आपको समझ जाएगा हाँ हाँ वो चार्ट है देखो ये वाला सुबोधिनी में चार्ट है ना ये वाला तो चार्ट में आपको समझ जाएगा अहंकार है अहंकार तीनों गुणों में कारण कार्य ये आदिभूत अध्यात्म क्या है तो यूनिवर्सल फॉर्म आएगा ना तो यूनिवर्सल फॉर्म भी इसमें डिवाइड हो जाता है ठीक है ये सब है ना इसमें ठीक है ओके ओके थैंक यू शिला प्रभुपाद की जय। अभी कितना दिन बाकी है ट्यूसडे हुआ ना आज वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे तीन दिन में दो चैप्टर हे भगवान देखते हैं चलो ओके हरे कृष्णा थैंक यू वेरी मच। किसी को और पूछना है दो मिनट है ठीक है भाई हरे कृष्णा शाम भजन पर कुछ पूछना है हरे कृष्णा थैंक यू प्रभु जी ओके थैंक यू बोलना है ओके ओके थैंक यू वेरी मच हरे कृष्णा थैंक यू